लेग बिफोर ले रहा अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, अहंकार रावण का भी नहीं बचा था, तो इन लोगों का क्या बच जाता दोस्तों। मजा आ गया यार, क्या मैच है, क्या मैच, अहंकार। एक बताओ, एक मिनट कितने परसेंट कुएं में भी चला जाए तो एक मैच को दो बार जीत सकता है? वाह, नहीं वो भी एक मैच को दो बार आप जीते। आज तो कमसे उनकी तारीफ करो, आज तो जीते हैं बेचारे। अभी तो एक घंटा तारीफ ही हो रही है। राहुल भाई कितने परसेंट चांस थे चेज में? 4.99 दो या 3% यार आगे से पता क्या करेंगे? 3% आगे से हम ना घर चले जाया करेंगे। शशांक सिंह, रिमेम्बर द नेम, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा। यार बट एक बात है, चल बात बूत कुछ नहीं है, 40% कैसे दिया? बात बूत कुछ नहीं है। आप सर आप ऐसे हार मान रखा था आपने तो हाँ हम तो हार के ही हारने के लिए आए। पर जीता कौन? पर पंजाब की ताकत है, पिछले सीजन में 200 चेस कर रहे थे, 200 देख के मेरे को लगा अब ये है, 200 दे दो इनको यार, कुछ दो तीन मारो जरा। आप गाना याद कर रखा था आपने? मैं कर तो दिया, बजाया ना। खुशी आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है सर। कहाँ आ रही है? ये ना माइक टेस्टिंग करो। 1 2 3 1 2 3 मतलब वैसे आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। अच्छा एक एक करके सारी चीजों पर आएंगे। नहीं देखो सीधी सी बात, आप लोगों ने, मैं एक चीज इनसे थोड़ा सा केन विलियमसन की पारी के बारे में बताइए, इसलिए पूछा था, मुझे पता था आएगी चीज बिंदी गेंद, बताइए थोड़ा सा देख लो। नहीं केन विलियमसन हो गए, रिदिमन साहा हो गए, माइक 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 लगा माइक 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 दो, क्या हो गया, आवाज नहीं जा रही ना, बहुत तेज बोल रहा हूँ। देखिए केन विलियमसन हो गए, इवन रिदिमन साहा, उसके बाद टू एन एक्सटेंट विजय शंकर। कम ऑन यार, 200 रन आपने बनाए हैं, 200 रन, 200 आप कह रहे हो 4.99%, खुशी कह रही है 2 या 3%। आपने कितने गए थे? मैंने गए थे 40%। किसके चांसेस? 40% पंजाब, 60% गुजरात, बट उस वक्त 55% बीचों बीच खड़ा जीतेगा। अरे छोड़िए, पंजाब जीतू, पंजाब जीतू। सौरभ उत्सव की तैयारी की जाए, गुलाटी जी से 1 2 3 4 5 6 7 छाछ मंगाई जाए। और यार उत्सव हुआ यार, पहले मुझे लस्सी मैंने कहा था क्या मंगवाया यार? नहीं नहीं मैंने कहा था आज जीत के बाद मैं पीऊंगा लस्सी। ओए लस्सी नहीं है, लखी लस्सी, लड़ाई वाली लस्सी। सौरभ जी जल्दी यार, लस्सी का देखो, लस्सी नहीं होगी तो छाछ होगी वहां पर, ले आइए और चॉकलेट खिलाओ यार। अरे पंजाब जीता भाई, दिल बड़ा पंजाबियों का, हमें कोई देखो किसी को छोटा नहीं दिखाते हम, और किसी को छोटा नहीं दिखाते वीर, लस्सी जीते हैं, असली जीते हैं, तगड़ा लड़के जीते हैं। बड़ा जबरदस्त, बड़ा आपने देख लिया T20 क्रिकेट क्या होती है। शशांक के लिए पहले तालियां यार, सबके सब क्या पारी खेली यार, वो लड़का अंबाती राइट में गलत बोला था, वो लड़का शायद जिसको मतलब ऑक्शन टेबल पर उस दिन हुआ कि यार गलती से ले लिया, ये है वो है, पंजाब ने क्लेरिफिकेशन दी बाद में, पर शशांक यार क्या मारा है, 61 नॉट आउट 38 बॉल में, प्रेशर में, जब मैच खत्म डेड, हाँ कोई चांस ही नहीं, प्रेशर में लड़के के रन। आशुतोष इंपैक्ट, इंपैक्ट दिखा दिया इंपैक्ट, 31 रन 17 गेंदों पे, हाँ ये है बैटिंग, बहुत अच्छा खेला शशांक, बहुत अच्छा खेला। पंजाब मतलब ये काम ना, पंजाब पंजाब का कोई भी मैच देख लो एक्साइटिंग ही होता है। अच्छा देखो आरसीबी वाला, अच्छा एक्साइटिंग नहीं था, अच्छा ये वाला देखो क्या एक्साइटिंग मैच है। देखो मोहित शर्मा पर्पल कैप, नहीं मोहित तो अपना भाई है, ही इज फ्रॉम हरियाणा, ही इज माय ब्रदर, योर ब्रदर, यस है ना, बट शुभमन गिल, शुभमन गिल योर ब्रदर, गुड गेम, वेरी गुड। गुजरात को हो सकता है आगे चल के 2 पॉइंट खले, बट गुजरात खेला अच्छा, गुजरात ने
दिल खोल के खेले बट सर एक बार इन द एंड मैं ये भी नहीं कहूंगा 200 रन कम थे भाई साहब, 200 रन बहुत होते हैं। और अगर आपके पास मोहित शर्मा स्पेशली रशीद खान और नूर हो, देखो 200 रन थे और साथ ही सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप आ गए थे, पंजाब ने तो मतलब ये है कि शेर का जबड़ा खोला है और वहां से मतलब हार के मुंह से जीत मतलब छीन के निकाल ली। अच्छा लस्सी एक और ऑर्डर कर दो प्लीज, एक और लस्सी, एक और लस्सी, उसको पैक कराओ अच्छी तरह से, वो मैं लेकर जाऊंगा। मैं तो जा रहा हूं। अरे मनोज शनिवार को नहीं पर फ्रेश लस्सी लेके जाना, फ्रेश वहां से बनवा जयपुर लेके। अरे सुनो, एक फ्रेश लस्सी जयपुर जाएगी शनिवार सुबह। पूछिए क्यों राहुल, मनोज जयपुर जा रहे हैं। हाँ किसके लिए लेके जा रहे हैं? राजस्थान। हाँ किसके लिए बताइए, बताइए। जॉस बटलर। बताइए, बताए तो जॉस बटलर तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक पीते हैं। आपको कैसे पता? अरे लस्सी कौन पिएगा? आज इस मैच को देख के कौन खुश हुआ है? यूजी चहल। अच्छा हाँ, यूजी चहल जो अपनी राजस्थान की टीम के लिए पूरी आईपीएल में छाए हुए हैं। मेरी तरफ से कौन सा वाला है? लस्सी है आप लोगों के लिए, लस्सी पंजाब की जीत। आप ये लीजिए मसाला छाछ, आप मसाला छाछ लस्सी छाछ। जिस वक्त वो विकेट आया है सिकंदर रजा का, लगा कि यार अब सिर्फ लड़के, हम यही बात करते कि लड़के कौन कौन बचे, तो जितने नाम थे अपने देसी लड़के थे, लेकिन देसी लड़कों ने आज जो बैटिंग की, शशांक ने मतलब उन्होंने बोला कौन राशिद भाई, एक होता है बॉल वन कौन से, क्या शशांक ने मतलब बॉल वन से जिस तरीके की हिटिंग करी, मारा है यार बहुत ही जबरदस्त हिटिंग, मतलब देख के मजा भी आया यार। एक मतलब मैच तो डेड ही हो गया था, आप देख रहे हो भाई जो सेलिब्रेशन हुई, जो सब कुछ भाई साहब, एक इसलिए क्योंकि डेड मैच, और जो विन प्रेडिक्टर होता है शायद वही मेलबर्न में 8% था, शायद यहाँ 7 पर पहुंच गया था। नहीं यार यार एक बार होता है, एक लड़का आया है शशांक, आप हर कोई ये सोचता है कि अब क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि टीम में ऐसा नहीं कि कोई बहुत बचा है। हम ये बात करते हैं कि नीचे हर्षल है, रबाडा है, वो तक सोचने लगे थे। हाँ। और यार उसने आके जो बैटिंग की है, मतलब नड्डा जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने गुजरात, उन्होंने गुजरात प्रेडिक्शन की थी, वो कह रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं गलत हूं, क्यों जीता कोई भी है वो छोड़ दीजिए, पंजाब जीता है लड़के ने, अननोन लड़कों ने, आपको सीख मिली है क्या? किसी को भी लाइफ में छोटा नहीं समझना, लाइफ जिंदगी हर दिन आप पे लागू। युजवेंद्र चहल ने अभी मैसेज भेज के कहा है जिंदगी हर किसी को सिखाती है राहुल भाई, मैं खुश पंजाब के लिए भी हूँ बट मुझे खुशी, वो भी कह रहे हैं मुझे खुशी इस बात की है कि दो यंगस्टर्स, सही बात है, जिन्होंने इतने बड़े मैच में जाके हारे वो मैच को जिताया, ये ज्यादा है। युजी भाई के लिए भी तालियां, उनकी सोच को सलाम है, युजी भाई को खिलाना वर्ल्ड कप, मैं उस दिन उनके लिए विक्ट्री सेलिब्रेशन पोज में करता हूं, आई होप युजी भाई यार यही तो है T20 जिंदा है आपके मुल्क में, जरा बाहर जाओ, चलो ये सब खिड़की तो खोलो, खिड़की तो खोलो, खिड़की के बाहर खिड़की के बाहर शशांक सिंह भी मौजूद है, खिड़की के बाहर अंधेरा नहीं है, बहुत खिलाड़ी है, बहुत खिलाड़ी है, खिड़की नहीं छत पे जाना पड़ेगा, अरे खिड़की के बाहर ही है, पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, खिड़की वाला मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से, बहुत छोटा सा, चलो केन विलियमसन भी हो गए, 15 ओवर भी हो गया, 20 ओवर में चेज भी हो गए, दर्शन नालकंडे जी मतलब कर क्या रहे थे आखिर तक, जो भी है मैंने उनसे बॉल क्यों नहीं करवाया, उमरजाई आगे भाई, दर्शन नालकंडे अगेन, पंजाब की ताकत क्या है, ये ऊपर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऊपर कोशिश कर रहे हैं, 25 रन थे ना ये मैच गुजरात का था, ये जानते हुए कि वो ओवर मोहित शर्मा डाल रहे थे, बट और उनको दूसरी चीज ये भी करनी थी कि उनके पास उमरजाई नीचे नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, यार एक बार होता गेम तो चेंज, लेकिन वहां हुआ जब उमेश यादव 17 रन खा गए, और पता क्या हुआ इन लोगों को, कैचेस छोड़े हैं, 3 में 37 थे आई थिंक, अरे 19 बॉल में 37 थे, और जब मोहित के पास वो बॉल आया ना 12 बॉल 25 रन, आई वॉज 100% श्योर कि यार ये मोहित ने ये ओवर 7-8 रन में निकाल देना है और 2 या 3 आउट कर देने, और लास्ट ओवर 15 यार फिर हाथ दर्शन नालकंडे ने अच्छा ओवर डाला, जो उस ओवर में करवाया जो वो उन्होंने छक्का मारा ना लॉन्ग ऑन के ऊपर स्लो बैक ऑफ द हैंड, बैक ऑफ द हैंड स्लो वन, आमतौर पर हर कोई क्या करता है उसको इधर मारता है या मिड विकेट पे, और लड़के ने पीछे जाके लॉन्ग ऑन पे मार दिया, लॉन्ग ऑन पे मारना ज्यादा आसान है बनस्पत इधर मारना स्लो बॉल के, और वो आई थिंक मोहित को जब वो इतने रन आ गए
नालगंडे का तो ये लास्ट ओवर और सात रन पे आए। सर मैं कह रहा हूँ कि लास्ट पहला ही ओवर डाला है। एग्जैक्टली स्पेशलिस्ट बॉलर है वो, मिस कैलकुलेशन हो गया। आप इसीलिए उनको खिला रहे हैं, उनका भी रोल यही है जो आप आखिर में देखते हो। और दर्शन नालगंडे डोमेस्टिक में लगातार, आज उधर क्या हुआ है, आशुतोष हम बात कर रहे थे कि आशुतोष को क्यों खिलाया, आपने सर उस टाइम पूछा था क्योंकि डोमेस्टिक में बताया उन्होंने 11-12 बॉलों पर 50 किया सैयद मुश्ताक में, 23 पारियां खेली उन्होंने। आज उस लड़के ने किया, शशांक ने किया, आपके पास दर्शन नालकंडे। और ऐसा नहीं कि दर्शन नालकंडे कोई ऑलराउंडर हैं, बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, पार्ट टाइमर हैं, उनसे आप आखिरी ओवर करवा रहे हो पहला, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर ही है उस सिचुएशन में। नहीं, इन्होंने ये जो करा जो मैं देख रहा था गुजरात को कि किसी तरह खत्म कर दो इनको। आप देखो उमेश यादव जब आए उन्होंने 17 रन शशांक ने मार दिया, उसके बाद राशिद खान को उन्होंने राशिद खान नहीं समझा। और राशिद खान का भी एक चीज है कि लगातार जो जितेश की विकेट के साथ से उनको जितेश को बहुत ओवरहिट कर रहे थे, साल दर साल उनका इकोनॉमी बढ़ता जा रहा है, इसलिए शायद उनको नूर की मदद लेनी पड़ रही है। नूर इनके आज की डेट में मैच विनर है, राशिद का भी थोड़ा वो हो गया। 150 पर 6 थे, छठा विकेट जितेश का था, जिसके बाद आप यही सोचते हो कि जी अब तो जीत गए हैं, मतलब आप फिर कहते हो कि ठीक है इट्स क्लीन विन। उसके बाद फिर आकर ये दो खिलाड़ी, देखो एक मिनट पंजाब का चेज देखो, ये मतलब ऐसा हुआ है कि जिनसे उम्मीद थी उनका रन नहीं है। आप पंजाब का स्कोर बोर्ड देखो, 200 चेज कर रहे हो, वो टीम चेज कर रही है जो अक्सर जीतती नहीं है, ठीक है ना। पंजाब हल्की टीमों में से एक गिनी जाती है। शिखर धवन ने एक रन बनाया, वो आउट हो गए। उसके बाद ठीक है जॉनी बेस्टो तेज, फिर अगेन 22 रन। पर अब सिमरन को तो ये समझना होगा कि यार ये जो वो 22 35 34 सिमरन को ये समझना होगा, सुनील नरेन 34 दे दो तो बोनस, सैम करन 5, सिकंदर रजा 15, यानी कि उस स्टेज पर इनके दो कैच छूटे। 70 रन पर 4 आउट हुए 9 ओवर में, 70 रन पर आपके 4 आउट हो गए हैं, 9 ओवर हो गए हैं, कौन सी टीम यहां से जीत सकती है? और अगर वो पंजाब है स्पेशली तब, जो कि और जब रशीद ने बॉल डालना है, नूर ने बॉल डालना है, मोहित ने एंड में आके बॉल डालना है, बिल्कुल उस लिहाज से आई थिंक एक तरह से अगर आप आईपीएल के लिए देखो, आई स्टिल फील कि ऑफ द टू टीम्स गुजरात हो या पंजाब हो, आई थिंक मोर चांसेस गुजरात के रहेंगे। हाँ, आगे जाने के। बिल्कुल सर, आज ये तो रही बड़ी बड़ी बात है, इसमें पहली या दूसरी बॉल पर नूर का छोड़ा हुआ चौका, 3 रन वहां बचते साफ तौर पर, 3 शायद कैचेस छोड़ी है, एक नूर जो आज की डेट में आप बैक करते हो, उमेश यादव वो हाथ का कैच, एक उमर जाई ने छोड़ा था वो सिंपल सा कैच, और भी फंबल्स हुए हैं फील्ड में। यानी कि आपने कम से कम, नहीं तो मैं कह रहा हूं कि कैच छोड़ने पर रन नहीं गिन रहा हूं मैं, फील्ड में आपने 10-12 रन तो बड़े प्यार से गिफ्ट कर दिए, जो आपने गिफ्ट कर दिए वहां पर 10-12 रन, तो वो अपने आप में नूर, मतलब आके उन्होंने ठीक है पहली ही बॉल पे विकेट निकाला, लेकिन फील्ड में उनको अगर आप देखो काफी नर्वस नजर आए, इनफैक्ट उनको लगी भी है, और उसके बाद फिर वो फील्ड से बाहर भी गए, जो कि ठीक है आने वाले टाइम में गुजरात के लिए दिक्कत हो सकती है। एक चीज और सामने आ गई गुजरात के साथ, गुजरात चेज में बड़ा अच्छा है, बट आज खैर मिलर नहीं थे उनके, और आज चेज नहीं थी, और कहीं ना कहीं गुजरात की ये चीज लगातार चलती आ रही है कि जब ये डिफेंड करने पे आते हैं। नहीं, पर इन्होंने जो मुंबई इंडियंस के सामने डिफेंड करा, देखो वो तो मुंबई ने मतलब अपने पैर पे, मुंबई बड़ी टीम ही आप मानते हो, उसके बावजूद वहां पर डिफेंड करना, तो वो तो बिग विन थी। जैसे आज पंजाब के लिए ये बहुत बड़ी जीत है कि इतने प्लेयर्स के स्कोर नहीं आए, उसके बाद नीचे से आके दो रन जिता देते हैं। एक फर्क है, जैसे एक मैच हुआ, एक मैच था कार्तिक त्यागी ने डाला था, यही पंजाब थी सामने, 4 रन आखिरी ओवर में नहीं बना पाए थे, तो इसमें कार्तिक त्यागी की ब्रिलियंस तो ऑब्वियस ही बात है, बट सबसे ज्यादा अगर किसी की आप बात करोगे 4 रन आखिरी ओवर में नहीं बने आपसे, तो आई थिंक वो जो गेम की आप बात कर रहे हैं मुंबई वाले का, उसमें मुंबई का सबसे बड़ा कसूर है कि यार आपने इतना गेम खुद के लिए फंसा लिया। बट आज मतलब मेरा मानना है कि यार अगर आपके पास इतने अच्छे गेंदबाज हैं, इतने अच्छे बॉलिंग लाइनअप से आप 70 पर 4 से 200 अगर करा रहे हो, तो फिर आपको, और आपका एक बॉलर आखिरी में जो कि अच्छा बॉलर है, डोमेस्टिक का अच्छा बॉलर है, वो आकर लास्ट ओवर डाल रहा है, फील्डिंग आप अपनी देख लो, आप अपनी मतलब उमेश यादव जहां पर बॉल डालने आए, शायद दर्शन नालकंडे डाल सकते थे, बट अगेन क्या आप उमेश यादव की रेपुटेशन पर गए कि उनसे करवा लेते हैं? उमर जाए ठीक है भाई, राशिद खान है शायद बहुत बड़ा रोल रहा होगा, उमर जाए को आप नहीं सोच सकते कि वो आखिर के 3-4 ओवर में बॉल डाल रहे हूं अभी, वहां पर भी दर्शन नालकंडे की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल थी, नई बॉल के लिए बेहतर आपने अवेल नहीं किया वो, तो ये इन फ्रंट्स पर भी आपने बहुत गलतियां करी हैं, इनको आप जब देखोगे तो आपको समझ यार 70 पर 4 नूर राशिद मोहित, फिर आपके पास अगर आप दर्शन नालकंडे से सिर्फ 5 ही गेंद करवा पाए हो, तो एक बहुत बड़ा मतलब एक टैक्टिकली आप देखोगे कि जो गुजरात के साथ शायद नहीं होती चीज आप देखते हो, कि आप टैक्टिकली उनके क्वेश्चन करो चीजें, वो वहां पर हुई है कि आपने टैक्टिकल, वो भी तब जब आपके पास पूरे बॉलर्स हैं, आप चाहो तो रोटेट करके अपनी हर एक ऑप्शन बचा सकते थे, बट आपने वैसा भी नहीं किया, तो वो एक बहुत बड़ा उनका। पर उमर जाई को भी मतलब देखना होगा उनकी, ठीक है वो एक एक दो दो विकेट हर मैच में ले रहे हैं टीम के लिए, लेकिन वो बहुत रन भी लीक करते हैं, 40 रन 45 रन हमेशा आप देखेंगे कि विकेट एक आध दो ले लेंगे, लेकिन रन उसके अलावा जो वो देते हैं, तो वो चीजें अब ठीक है फील्डिंग में आप नहीं हो, तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि यार टीम है ना, जब आप मुंबई से जीते थे तो आपके पास लैंस मॉरिस खेल रहे थे,
शशांक का नाम मिला और मतलब जब ये इनका ऑक्शन में भी आया था तो बोला यार गलती से पिक हो गया, कोई और खरीदना था, फिर बाद में ये क्लियर हुआ कि नहीं नहीं यार यही चाहिए, क्लेरिफिकेशन भी दे दी थी उन्होंने बाद में यार यही थे। और आज उस लड़के ने मतलब आप मतलब बहुत रेयर होता है, मैं आई थिंक मैं किसी खिलाड़ी को ऐसा देखता हूँ जो आके उस दिन, रमन दीप की बैटिंग मेरे को केकेआर से बड़ी भाई थी, ठीक है कि उन्होंने जो आके बैटिंग की, अभिषेक शर्मा ने जो उस दिन ट्रेविस हेड बात करते हैं ट्रेविस हेड उनके साथ आके जो बैटिंग की बहुत लिमिटेड, और कल जो हम अंग क्रिश की बात कर रहे थे उन्होंने मतलब ऐसे बहुत लिमिटेड लड़के, महिपाल लोमरो और खैर यार आप देखो ना आप चलो मजा आता है ऐसा देख, शशांक यंग नहीं है बट देन अगेन उनके लिए वही सीन है सिचुएशन की, भाई क्या है क्या नहीं है, अब थोड़ा मतलब पंजाब निकल गई जिसे ना जेल से बाहर निकल गई हो, बट पंजाब को भी रीथिंक करना पड़ेगा अपने बैटर्स की अप्रोच। प्रभ सिमरन ऐसे नहीं आ सकते थे कि मैं 3-4 अच्छे चौके शॉट खेलकर चले जाऊंगा, नंबर 3 पर आपका काम है कि आपको भी लंबा खेलना है वहां पर, जॉनी बेस्टो को भी देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा बेहतर बताऊं को अच्छा करना है पंजाब के लिए। आज थोड़ा सा ना वरदान हुआ है, बताता हूँ कैसे। अब इनको ना अगर ये पता है ना, नीचे शशांक बैठा है, अभिषेक नाम उनका दूसरे का क्या नाम, आशुतोष, सॉरी माफी चाहता हूँ, आशुतोष बैठा है इम्पैक्ट में, और अगर हमारी इस तरह की बल्लेबाजी है, इवन जितेश ने आज जो धड़े लगाए, तो आपको ऊपर से ये आएगा, नहीं दड़ा, दड़ा, वो दड़ा इज डिफरेंट, तीसरा दड़ा इज हिस्सा, मतलब दड़ा जो लगा रहे थे तीसरा ओवर में, क्योंकि थोड़ा सा उस टाइम एड्रेनलिन रश दो मारे उन्होंने छक्के, सिंपल बात है, हो सकता है शशांक आशुतोष हर मैच में नहीं बना, हाँ पर ऊपर वालों को आपने बोला कि पंजाब ना, पंजाब इज लकी कि आज ये दो लड़के लॉटरी जीता है जैकपॉट। आपकी बैटिंग जो है ना वो दिक्कत बैटिंग में है, दिक्कत ये है कि शशांक और आशुतोष आपको तो कुएं से निकाल के लेके आए ना, और हर मैच में आपको कुएं से कोई निकलने नहीं देगा, नहीं देता, और हर मैच में आप कुएं से निकलोगे भी नहीं। आप देखो ऊपर से शिखर के रन नहीं है, जॉनी बेस्टो के रन नहीं आ रहे हैं बॉस, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। प्रभ सिमरन सिंह कह रहे हैं कि मैंने इतने ही रन बनाने हैं, सैम करन का, सैम करन ने पहला मैच जिताया भी था, ठीक है इज एन ऑलराउंडर आउट हो गए, बस पॉइंट इज कि यार अगेन अगर पॉइंट टैली पर देखो पंजाब की दो जीत हो गई है इस टूर्नामेंट में, मेरे ख्याल आधी टीमें होंगी जिनके पास दो जीत नहीं है, दो जीत वाली टीमें नहीं होंगी इतनी, बट दे हैव टू देन आल्सो लुक एट दी अदर टीम्स। पंजाब पीछे है आज, शायद गुजरात को, मुझे लगता है कि पंजाब को पता नहीं अल्टीमेटली फायदा हो ना हो, गुजरात को ये दो पॉइंट्स खल सकते हैं, बिकॉज कुछ टीमें ना बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है, हम हर रोज बात कर रहे हैं, राजस्थान जिस तरह खेल रहा है, और राजस्थान खेल रहा है अपने टॉप ऑर्डर के बिना, अभी भी उनके टॉप, और रियान पराग ने जो बैटिंग की है वो उन्होंने कवर अप किया है, बाकी उनकी बॉलिंग तो यार कमाल है। हैदराबाद इज एन इंटीमिडेटिंग टीम, इंटीमिडेटिंग, अब कल पता चलेगा उनका चेन्नई का मैच, फिर आप बात करते हो कोलकाता, कोलकाता की टीम में एक्चुअली देखा जाए कमजोरी है ही, लूपहोल्स आपको शायद इस वक्त एज कंपेयर्ड ओवरऑल ऊपर से नारायण और नीचे से रसल, भाई उनमें कमजोरी नहीं है, और मतलब ऐसी चीज आपको वो तीन टीमें, ये तीन टीमें राजस्थान हैदराबाद कोलकाता भाई ये ना ये खेल रहे हैं T20 को T20 की तरह, अटैकिंग बॉलर्स अटैकिंग बैटिंग, फिर CSK को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, वो चेन्नई भी देखो भाई कहां बैठा है, एक ही मैच आ रहे हैं ना वो, एक ही आ रहे हैं है? और फिर आप कहते हो कभी बैंगलोर भी बड़ी टीम है, कभी गुजरात भी बड़ी टीम है, मुंबई वापसी कर सकती है, मुंबई की वापसी मैं एक बात बताऊं इन टर्म्स ऑफ सर जो है ना कि अब जैसे हम कह रहे हैं गुजरात को आज पॉइंट्स क्यों खलेंगे, क्योंकि चलो मुंबई वाला जो मैच उनका निकल पता क्या है, मनोज मैं बताता हूँ दो बातें हुई है, आप इससे पहले भी आप सही कहते हैं कि यार ये टीम 5 मैच हार गई 6 मैच हार गई तब भी आ गई, वो 8 टीमें होती थी तब, ये ना भूले तब 8 में से 4 जानी होती थी, अब 10 में से 4 जानी है, सो योर प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी भी नीचे जाती है। सेकेंडली, और मैं ये कोई इन्फेरेंस नहीं है, बट जो इस साल हमने हार्दिक पांड्या की कप्तानी देखी है, मुंबई का कप्तान रोहित शर्मा और मुंबई की वो टीम बड़ी अच्छी हुआ करती थी, अब सूर्य कुमार यादव ने आना है, अब सूर्य कुमार यादव ने भी तो 4 महीने से क्रिकेट नहीं खेली है ना, मतलब उस तरह से नहीं खेली है, तो क्या उनको आते ही पहले मैच में सक्सेस मिलेगी या दूसरे में मिलेगी या चौथे में मिलेगी, नोबडी नोज, उनका मैच कहां पे है, उनका मुंबई में दिन की गेम है, ये सूर्य कुमार को सूट करता है, ये भी शायद कंपैरेटिवली उनके लिए अच्छी दिल्ली दिल्ली हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन पंजाब हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इवन मुंबई हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ये तीन टीमें ना, ये तीन टीमों का टॉप फोर में आना बहुत बहुत बड़ा चमत्कार होगा, ये तीन टीमें ऊपर आए, बट ये है कि हाँ ऑन अ गिवन डे ये आप सांप सीढ़ी खेल रहे हो, आज पंजाब को सीढ़ी मिल गई, मतलब किसी को आज सांप काट गया ना गुजरात को, गुजरात के ये 2 पॉइंट्स उनकी टोकरी में थे, उनकी प्लेट में थे, आज गुजरात को 2 पॉइंट मिल गए होते अगेन वो भी तो लीफफ्रॉग करते, उनके 3 जीत हो जाती, 3 जीत अब 2 हो गई, मतलब वही जो हम कह रहे हैं पंजाब के भी 2 हैं इनके भी 2 हैं,
तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और अगेन साउथ अफ्रीका से यार हमारे ना एक दर्शक है, मैं सॉरी उनका नाम उस दिन भी उनका आया था, नितिन उनका नाम है, नितिन और उनका परिवार, उनकी छोटी सी बेटी भी है, बेटा है शायद, आई एम सॉरी, याद है जब हम भिवानी गए थे, वो इतने साल से देखते हैं हमें और वो उन्होंने प्यार भेजा है, वो कह रहे हैं कि अरे भाई आप क्या बात कर रहे हो यार नितिन, नितिन कह रहे हैं आप भूल गए हमें, नितिन आपको नहीं भूले यार हम, आप दिल में हो, आप आइए इंडिया आइए और थोड़ा सा मीत सोनी ने मुबारकबाद भेजी है। चंद्रेश जी क्या कह रहे हैं, चंद्रेश कह रहे हैं जितेश ने जो दो छक्के मारे और जोरदार जवाब दिया, वो फर्क यही होता है। देखो आपको जितेश जिस पोजीशन में मैच में आकर जितेश को आज आज जितेश की जगह अगर शशांक की बात हो रही होती तो आज हम बोलते ना कि भाई वर्ल्ड कप के लिए अब जितेश को हिम्मत सोचना नहीं करेंगे, ऐसा मैच निकाल कर जाते तो वो थोड़ी चीजें होती। देखो एज अ प्लेयर आपको प्रोग्रेशन देखनी होती है और जितेश को भी आज ऐसे मैच में और ज्यादा वो आगे जाते, डीप ले आते और जितवा भी देते तो अलग बात होती है उनकी। और जो आउट हुए वो बॉल पर, वो बस सिचुएशन के चक्कर में आउट हुए, वो बॉल को 10 में से 9 बारी छक्का ही मारेंगे, जो एक बार आउट होना था आज वो आउट हो गए, तो वो चीज है वहां पर। पर राशिद खान, राहुल भाई थोड़ा सा राशिद खान का कैसा आप देखते हैं आज जो परफॉर्मेंस रहा, उतना बेहतर वो नहीं रहे, मतलब हर कोई उनको अटैक करने लगा और उनके पास जवाब नहीं दिख रहा था आज। आई थिंक उस वक्त तो सिचुएशन ऐसी पहुंच गई थी कि भाई आपको अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि सामने राशिद खान बॉल कर रहा है या कौन बॉल कर रहा है, आपको रन बना, क्योंकि आप वहां से जीत रहा, मतलब आपकी परसेंटेज ऑफ, मतलब विन परसेंटेज आपकी ऑलमोस्ट निल हो गई थी, आपको जाना ही था और उनके लगने भी शुरू हो गए। अब बात यही होती है ना, आप कभी चेक तो करो कि सामने वाले को अटैक करके। तो गुजरात का एक चीज़ है, गुजरात जो एक टीम है ना एज अ टीम, वो जानी जाती है कि ऐसी सिचुएशंस में वो पैनिक नहीं करते हैं, वो मतलब यहाँ से उन्होंने मैचेस निकाले हुए हैं, फिर चाहे वो मुंबई के साथ हो इस सीज़न में, अभी ये तो सीज़न शुरू ही हुआ है, बाकी हमने पिछले दो सीज़न भी देखे, हालांकि पिछला फाइनल जो था वो भी जीता हुआ मैच हारे थे, वो भी वो जीता हुआ मैच हारे थे। पंजाब के लिए देखो, पंजाब ऑल्सो हैज टू रियलाइज कि वो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेन प्लेयर्स पे। आज मैच किसने जिताया उन्हें, ये वाला शशांक सिंह, एक लोकल टैलेंट ने उनको ये मैच जिता दिया। देखो पंजाब की टीम ना, वो आई एम यूजिंग दैट वर्ड, सेंसलेस बाइज करती है। क्रिस बॉक्स बाहर बैठे होंगे कितना पैसा लेके, नेथन एलिस शैडो है, मतलब वो फॉरेन प्लेयर चार ही खिला सकते हो। जब आपने डिसाइड ही किया हुआ है कि जॉनी, सैम करन, रबाडा और लिविंगस्टन ने खेलना है, चलो अब लिविंगस्टन नहीं, तो भाई आप इंडिया के प्लेयर ले आओ ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इंडिया के प्लेयर्स अवेलेबल नहीं। इंडिया का बड़ा प्लेयर कौन है इनके पास, शिखर धवन है, शिखर धवन को हम बड़ा प्लेयर बोल सकते हैं फास्ट, बट ही इज ऑल्सो पास, एक अर्शदीप है, अर्शदीप को कह सकते हो। मैं बैटिंग की बात करूं, बोलिंग मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। हाँ। और कौन है, नहीं है आज देखो, बट क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक शिखर धवन को ले लिया बिकॉज इनको एक कप्तान चाहिए था, ठीक है फेयर इनफ। शिखर धवन ने यार बड़ा अच्छा, मतलब दिल्ली के लिए भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी कैंपेन खेली थी, वो और पृथ्वी शॉ ओपन करते थे वो भी, बट यहां पर है, बट शिखर धवन दे ऑल्सो हैव टू रियलाइज दैट ही इज पास्ट हिज प्राइम। बाकी आपने जो लिए हैं लड़के, ठीक है यहां पर आए जितेश शर्मा ने यहाँ पे शुरू किया, यहाँ पे खेला, उसके बाद उनका इंडिया कॉल अप हुआ है, बट आप आई थिंक उन्होंने ना आज एक अननोन एंटिटी, शशांक पता नहीं खिलाते भी नहीं खिलाते इनको, शशांक को थोड़ा इस सीजन तो खिला ही रहे थे वो, मतलब जब शायद उन्होंने देखा होगा, आपने देखा कि भाई अगर मनोज कोई बड़ा नाम होता ना इंडिया नहीं खेलते, तो शशांक नहीं खेलते ना, आशुतोष ठीक है, तो आपको ये प्लेयर्स नहीं दिखते, बट मतलब पिछले दो तीन सीजन से एटलीस्ट ये है, जैसे आप कह रहे कि बड़े नाम नहीं, तो कम से कम ये हमने देखा है कि पंजाब के जो लाइनअप है, पंजाब का जो भी स्काउटिंग वगैरह कर रहे हैं, एटलीस्ट डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हमने जितेश को देखा, जितेश ने सैयद मुश्ताक बड़ा अच्छा किया था, कबीरप्पा भी इनके पास है, आशुतोष अमन की हमने बात करी कि उन्होंने भी डोमेस्टिक में अच्छा किया, आई थिंक शशांक जो भी कह लो, चाहे वो गलती से बाद में क्लेरिफिकेशन जरूर, आई थिंक पंजाब का तन्मय श्रीवास्तव कर रहे थे इनका, आई थिंक एक आध साल पे, एक साल पे है ना पंजाब, एटलीस्ट इंडिया के डोमेस्टिक जो लोकल प्लेयर्स जो अभी शायद इंडिया खेलने के कगार पर भी उतने नहीं है, उन लोगों को जरूर इन्होंने वो पुश दिया है, वो मौके दिए हैं, बट हाँ ये जरूर है कि
आईपीएल जैसी टूर्नामेंट, बड़ी टूर्नामेंट जब जीतनी होती है तो आप बिल्कुल यंगस्टर्स पे भी नहीं रिलाई कर सकते हो। जैसे हम बात करते हैं कि क्या 1-2-3 में इनके ऐसा भी हो सकता था भाई कि शिखर धवन, मनोज, वो फैक्ट है, अथर्व ताइडे भाई, वो हर मैच नहीं हो पाएगा, नहीं होगा। वो आज आपको एक मैच जिता के दे गए हैं हार के मुंह से निकाल के, बट आपको ओनर्स और जिम्मेदारी तो ऊपर वालों की है ना। ऊपर वाले थोड़ी हर मैच में कंबल ओढ़ के बैठे रहेंगे। इन्होंने दिल्ली का मैच जीता, बाय द वे अगर आप याद करो, वो भी सैम करन का इनका वो चल गया, थोड़ा दिखा दी उनका चल गया। उसके बाद ये बैंगलोर वाला मैच, पंजाब हैड नो बिजनेस टू लूज दैट गेम, जहां पर पहुंच गया था मैच, एक पंजाब को मैच जीतना ही जीतना था, जब विराट को आउट किया। एक और कौन सा मैच आ रहे हैं ये, एक तो दिल्ली जिसमें शिखर धवन ने रन बनाए अभी, वो वाला लखनऊ वाला, वो मैच वो भी जीता हुआ मैच, वो ब्लेस हुआ ना। हाँ, आप 200 ही चेज कर रहे थे, अब देखो वो 200 चेज कर रहे थे, आज भी 200 चेज कर रहे थे, वहां पर आपके तकरीबन 10 ओवर में 100 रन फॉर नो लॉस है और आप मैच हार जाते हो। आज आपके 9 ओवर में 70 रन पे 4 आउट हो गए, दो बच्चे आए उन्होंने मैच जिता दिया, यूजफुल, भले जितेश के 2 छक्के हो, जो मर्जी गिन लो आप, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे। आज वही था ना कि एटलीस्ट वो अप्रोच थी जानने के लिए, उस दिन ऐसा लग रहा था वेटिंग गेम टाइप चल रहा है, अब इसके ओवर निकाल दो, आज जो आ रहा है उन्हें मार रहा हूं। मैं एक चीज वही देख रहा था, राशिद खान को लेके बात हो रही थी, मैं राशिद खान का बीच में स्टार नहीं दिखाया, उनके आंकड़े 2020 में 5.5 की इकोनॉमी थी उनकी, 2020 में, 2021 में 6.70 की हो गई इकोनॉमी ओवरऑल आईपीएल की, फिर उसके बाद 2022 में 6.63 की हो गई, 2023 में 8 की हो गई और अब 8.5 से ऊपर। देखो इस बार तो वो चोट से आए, इंजरी से उठ के आए हैं, ठीक है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि यार उनको थोड़ा वक्त चाहिए होगा टू गेट टू योर बेस्ट। ये ना भूलें कि हार्दिक पांड्या के 4 ओवर कम हुए हैं, जो शमी के 4 ओवर कम हुए, मोहम्मद शमी के 4 ओवर, गुजरात की टीम में 4 ओवर मोहम्मद शमी के कम हुए, इस गुजरात की टीम में 4 ओवर हार्दिक पांड्या के भी खत्म हुए। और ये तो उमरजाई आपके लिए ऊपर से जो है वो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उमरजाई कर रहे हैं, लेकिन जो बीच में आके, मतलब मैं देख रहा था उस टाइम मैच, मेरे को थोड़ा सा अजीब, और राशिद अब 4-4, 5-5 नहीं, उमेश यादव 17 रन खा रहे बीच में आके, राशिद खान शमी की बात तो राशिद से ही थी ना सबसे ज्यादा, उमेश यादव का मतलब ठीक है पिछले मैच में शायद थोड़ा हुआ था, उमेश यादव का क्या इनके पास विकल्प नहीं है, और फिर अगर आप प्रेशर सिचुएशन में उनको बॉल भी नहीं दे रहे हो जहां पर हुआ है, और जो आपने दिया वहां पर भी आपने देखा दर्शन आलकंटे की जगह आपने उनको दिया, तो वो मतलब आपके पास भी बोलर्स हैं, इंडियन बोलर्स उनके पास भी हैं ऑप्शंस, और देख लो गुरदीप मारे ना, गुरकीरत अच्छा देख लो, तो फिर वो क्या वो डिसीजन नहीं ले सकते, मेरे ख्याल से उनके पास एक सुशांत भी, उन्होंने कार्तिक भी शायद इधर है इस बार, उन्होंने वो गलती, कार्तिक त्यागी भी शायद इस बार इधर ही है मेरे ख्याल से, गुजरात के पास नहीं सुशांत और कार्तिक, कार्तिक सुशांत दोनों उसी अंडर 19 बैच के यशस्वी वाले, गुजरात किसकी बात करो, सुनील वालिया जी कह रहे हैं, सुनील वालिया जी का मैसेज आया, वो कह रहे हैं हिस्टोरिकली हैशटैग स्पोर्ट्स तक, हिस्टोरिकली अ कपल ऑफ बेबी इनिंग्स आर बेटर देन अ 100 इन T20। इस पर यह भी है कि कभी कभी ना 100 ना अक्सर, लेकिन सुनील अक्सर 100 हारता नहीं है, यह भी फैक्ट है, आप 100 बनाते हो ना तो अक्सर क्या मोर ऑफन देन नॉट आप जीतने वाली टीम, और आज का मैच आप 100 बना रहे हो, सामने से 100 भी बने तो 200 हो गए, तो 200 हो गए ना, और आज का मैच भी भले जो शुभमन 100 के करीब थे, 89 नॉट आउट थे, तो शुभमन ने बॉलें भी कम खेली, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं मैं कह रहा हूं ये मैच भी तो 48 बॉलें ही खेल पाए, आधी बॉलें नहीं खेले, ऐसा थोड़ी कि बड़ी आसानी से रन चेज हो गई, ये रन चेज पूरी करने के लिए भाई शशांक सिंह ने शायद मतलब बड़ी स्टेज पर अपनी बेस्ट क्रिकेट खेली, आशुतोष को तो लोग उतना ठीक है वही बात होती है कि यार डोमेस्टिक में किसको मारा होगा क्या मारा होगा, उन्होंने भी आकर वो दम दिखाया यहाँ पर, तो तब जाके रणजी हुई है, पॉइंट्स चली आ गई, उस वक्त हम बात कर रहे थे ना वही, देखो ये कि गुजरात को ना हो सकता है उन्होंने 15-20 रन कम ही बनाए थे, बट 200 रन भी ऐसे नहीं होते जो डिफेंड नहीं होते, ग्राउंड डिफेंड होते हैं, आपका बॉलिंग अटैक और ये ग्राउंड की, देखो शमी और हार्दिक नहीं है और वो नहीं रहेंगे, बट आपके पास नूर रशीद और मोहित, मोहित मैं बता रहा हूं ना मैच कहां पर जीता पंजाब, ठीक है वो बनाते 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 मिडिल ओवर्स में ही तो है, नहीं पंजाब का अक्सर होता है बना के हार जाते हैं, जब जब 2 ओवर में 25 रन थे और मोहित शर्मा वो बॉल डाल रहे थे ना 1900 ओवर, पता नहीं मुझे लगा, मैंने कहा यार ये मोहित ने तो 5-7 रन देने हैं, 2 आउट कर देने हैं, लास्ट ओवर में 15-17 रन बनेंगे नहीं, चूंकि मोहित को वो जो छक्का मार गया ना बैक ऑफ द हैंड वाला और एक चौका भी गया शायद, मुझे भी नहीं दुक्का था अगली बॉल पे, हाँ दुक्के उन्होंने बहुत भागे नहीं, बट उस ओवर में यार 18 रन आए, ये भी है ना, अब मोहित कभी तो अब देखो मोहित का तो 2 छक्के आए, हाँ लास्ट बॉल में भी छक्का आया ना, लास्ट वाली बॉल, तो मैं वही कह रहा हूँ मोहित का मतलब ऐसा होता नहीं है कि मोहित को 18 रन पड़ जाए,
मोहित तो यार आप इस वक्त जो लीग में बॉल डाल रहे हैं ना, ठीक है, जो पिछले साल और इस साल की बेस पे यार, मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि उनको इंडिया के लिए आप कंसीडर नहीं कर रहे, और जो कोई इसलिए नहीं कर रहे कि जी क्या वो फिट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पूरा पूरा सीजन खेले, इस साल पूरा सीजन खेले, बाकी भी तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो फिट रहेंगे नहीं रहेंगे, आप खिलाओगे ना। मुझे लगता है कि हाइंडसाइट में देखो ना, मैं भी ये बात सोच सकता हूँ, मोहित भी सोच सकते हैं कि वो जो उन्होंने बैक ऑफ द हैंड डाली थी ना वो बॉल, वो अगर वो सोच रहे होंगे कि ऑफ कटर ही मार देता, स्लोअर बाउंसर ऑफ कटर में थोड़ा सा अगर वो बॉल इतना आगे गिर जाता, सिर्फ इतना आगे गिर जाता, अब क्या होता है बैक ऑफ द हैंड में उतना कंट्रोल नहीं होता है, बट अगर उन्होंने ऑफ कटर मारी होती, हाँ, बट आप वो हो सकता है आई थिंक बेटर कंट्रोल से वो बॉल डाल, बट मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मोहित इनफैक्ट जब ये इंडिया के लिए खेल रहे थे जिस जमाने में, बैक ऑफ द हैंड में मास्टरी मोहित ने की थी, और देखो वो बैट्समैन की भी तारीफ, क्या होता है ऐसा तो आनी स्लोअर, आपको भी सबको पता है कि यार ओवर में चार बोले स्लो आनी है, तो वो बैट्समैन ने मुझे लगा जो क्या किया उन्होंने, आमतौर पर ना ये जो स्लो बॉल है सारी आप देखो, या तो उसको ऐसे मार रहे हैं, या आप उसको पुल कर रहे हो, या आप मिड विकेट पे जा रहे हो, और ये बाउंड्री मिड विकेट की ज्यादा बड़ी होगी, और या तो आप में इतनी ताकत हो जो रसल में ताकत है कि आपने ताकत से मार दी, उन्होंने क्या किया वो पीछे जरूर थे, उन्होंने सीधा मारा, सीधी बाउंड्री है, थोड़ी सी छोटी भी है, बट सीधे में ना उनको और वक्त मिल गया, रादर देन ऐसे जाना उन्होंने सीधा मार दिया, वो आई थिंक इट पेड ऑफ, आई थिंक ये भी था, लास्ट बॉल पे भी छक्का, बल्ले बैट्समैन ना एक तो ये था कि वो इंतजार भी कर रहा था स्लोअर, अब देखो पहली बॉल जो उन्होंने डाली आई थिंक बल्लेबाज इंतजार कर रहा था कि तो स्लोअर बाउंसर कुछ मार देंगे, उन्होंने पहली डाली ब्लॉक होल पे सिंगल, मैंने कहा यार व्हाट अ स्मार्ट मूव, बहुत अच्छा, अगली आई थिंक एक और स्लोअर एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने स्लोअर डाली, वो कनेक्ट हो गई सबसे, और मोर इम्पोर्टेंटली वो जहां मारी उन्होंने वो जगह उन्होंने सही चुनी, यार देखो वही बात है कि जहां पर जिस स्टेज पर मोहित शर्मा अक्सर 10 में से 9 बारी वो लड़ाई जीतते हैं, आज उनके सामने कोई और जीत गया और वो भी अफोर्ड करते हैं यार कि एक आधा ऑफ डे उनका ठीक है एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट मेरे ख्याल से मैं अभी भी बार बार मतलब उस बात को खींचने की जरूरत नहीं है, वो बट दर्शन लालकंडे को या तो खिलाओ मत, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आकर 20 ओवर डाल रहे हो यार, और ना ये मतलब बहुत अजीब सी चीज है, आप स्टेज पर उमेश यादव को लाए थे, हालांकि मैं कहता हूं मान लो दर्शन आज मैच ना आप हारे भी हो प्लस उमेश यादव ने वो कैच भी छोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट कैच छोड़ा है, आई थिंक आपको ये देखना चाहिए, आप ये भी बोल सकते हो नहीं यार उमेश यादव एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी फ्रेंचाइजी का, हमारी इस टीम का, मतलब कॉन्फिडेंस देने के लिए आप बोलो नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे यू डू हैव दीज काइंड ऑफ ऑफ डेज, आप खिलाओ भी अगला मैच, बट मुझे लगता है कि आपको ना देखना चाहिए, आप कार्तिक त्यागी को ट्राई करना चाहिए आपको, आप देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, दर्शन नालकंडे आपको मिला अंडर प्रेशर, उन्होंने जो बॉल डाला, मैं तो कह रहा हूँ यार ये दर्शन नालकंडे हो गए, शशांक हो गए, आशुतोष हो गए, आज का दिन एक्चुअली मैं शुभमन गिल को मैं उस लीग में इसलिए नहीं रखा हूँ, हमें पता है व्हाट शुभमन गिल इज केपेबल ऑफ, और आज ये भी हो सकता है शुभमन गिल जो बात कर रहे थे ना कि भाई 10 बॉले एक्स्ट्रा और खेल लेते, वहां जो बॉले केन विलियमसन ने कंज्यूम करी, या फिर टू स्टार्ट विद, और आज देखो रिद्धिमान साहा अगेंस्ट रबाडा, साई आकर जो खेल गए थोड़ा उन्होंने, जो वरना बहुत स्कोरिंग कम हो सकता था, और देखो रिद्धिमान को स्ट्राइक ही नहीं थी, रिद्धिमान साहा अगेंस्ट रबाडा, हाँ पता लग रहा था कि रिद्धिमान साहा किसको खेल रहे हैं उस पेस को, और रवाड़ा है आज बॉल उनका मतलब बॉल पड़ के सीधा हो रहा था, और जब आपकी बैटिंग आपको पता है कि आज मिलर नहीं है, जो मैं वहां पे सोच रहा था कि यार वो क्या नाम उनके विजय शंकर और अभिनव मनोहर जब यार आप विजय शंकर को खिला रहे हो, अगर उनसे गेंदबाजी नहीं करवानी, अगर आप चलो एक ऑलराउंडर की तरह यूज करो तो समझ में आता है, अभिनव मनोहर को ले आओ, आखिरी में जो थोड़ा बहुत रन का डिफरेंस आया, एक तो सबसे ज्यादा तो तिवतिया ने मारा आखिरी में, अगर आप देखोगे तिवतिया ने, तो वो अगर विकेट है आपको विकेट सूट कर रहा है मारने के लिए, तो ऐसे धड़े चलाने वाले भी होने चाहिए, इसलिए मैं सोच रहा था कि यार अगर आपके पास मिलर नहीं है आज तो उनको बैक करो कम से कम, और वही जो हम इसीलिए केन विलियमसन पर जब डिस्कशन होते थे तो शायद हम सब लोगों का कंसर्न एक ही होता था कि भाई इनका बैटिंग ऑर्डर कि क्या होगा कैसे होगा और कैसे करोगे, क्योंकि रिद्धिमान साहा से आज आपको साई को भी नीचे करना पड़ा ना, और भाई अल्टीमेटली वो वहां पर कितने 22 रन ऑफ 26 डिलीवरीज हैं, 22 गेंदों पर 26 रन, आज की डे एंड एज में यार वन डाउन पर जब आप आए हो, आपने पावर प्ले में भी खेला है, मतलब वो गेंदे अब वही बात होने वाली बात हो गई ना, और इसीलिए लग रहा था कि भाई हो सकता है हो जाए, मतलब क्योंकि ये पंजाब है इसलिए आप उतना नहीं उतने कह स्लो खेले क्या खेले ये वो, बट कोई और टीम होती है आप बोलते डायरेक्टली कि भाई हो सकता है यहाँ पर ये चीज बाद में आएगी आपको, और आई वो कि 26 रन है 22 गेंदों में, उसमें कितने मुझे बाउंड्रीज नहीं है, देख मुझे नहीं पता, मेरे को चार चौके हैं बताओ, 22 मिड इनिंग में शायद किसी कमेंटेटर ने कहा था, मेरे को मील ने बताया कि वो बोल रहा है कि ये तो चेज हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा विकेट है ये, तो मैंने बोला पता नहीं
टारगेट शॉट बताया था उन्होंने, मैं तो पता नहीं, मैं तो हाँ मतलब देखो शॉट, बट फिर भी ये मैच तो यार जीत ही गई थी गुजरात, ये भी एक फैक्ट है कि गुजरात ये मैच ले ली थी 150 पे 6 था, जो जिस तरीके से देख रहे होते हैं, जो क्रिकेट हम देख भी रहे होते हैं, उस हिसाब से मैच निकाल चुके थे वो, आखिर उनने बैटिंग ऐसी करी। यार देखो यू विल हैव टू गिव क्रेडिट टू पंजाब, जिस हिसाब से हम ठीक है, फील्डिंग बहुत बड़ा फैक्टर है पंजाब, एक ना फील्ड में ऐसे रहोगे तो 200 180 कर देते हो आप, ये भी आज दिखा गया है। पंजाब एक ऐसी टीम है जो हमेशा ना अंडरडॉग ही रहती है, आप किसी के अगेंस्ट भी खिला लो पंजाब को, हमेशा लगता है कि यार वो अंडरडॉग ही है पंजाब, बट आज जिस हिसाब से, बट आप देखो एक्साइटिंग मैचेस जो होते हैं पंजाबी पंजाबी पंजाब बनाती है, सब इंतजार पिछले साल इन्होंने राजस्थान का सीएसके को, मतलब एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम पंजाब। मैं हैरान था पिछले साल इन्होंने सीएसके को घर में घुस के 200 चेस किया था, मजाक में ऐसा कर रहे थे। अब सर कह ही रहे हैं कि जीटी बेहतर टीम है पंजाब से, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे देखें तो दोनों इक्वल बैठे हैं इस टाइम पे, आप देखिए दो जीत है दो हार है। देखो कौन बेहतर है, क्योंकि आईपीएल ने एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां पे कोई ऐसा नहीं है कि आप जी मतलब कि आप ये बताओगे कि कौन आगे है कौन बेहतर है। आईपीएल विल गिव यू अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ हु इज अ बेटर टीम, विच इज अ बेटर टीम, व्हाई, बिकॉज 14 मैचेस है ना, आपका सैंपल साइज एक दो मैचेस का नहीं है कि एक मैच आप और मेरे बीच में एक मैच हुआ, उसके बाद एक डकवर्थ लुईस की वजह से आपको पता चला जो 20 ओवर था वो 16 ओवर हो गया, 15 ओवर हो गया, आप मैच जीत गए। अगर तो ये टीम देखो बेटर गुजरात ही है, 14 मैच फेवरेट्स में पंजाब जीती है, मतलब बेटर, देखो बेटर मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से, मोर ऑफ एन नॉट, अगर गुजरात और पंजाब का मैच है तो आप पंजाब को अंडरडॉग बोलो, और इवन आप टॉप फोर में जाने के लिए बैक इन दोनों में गुजरात को ही करोगे कि भाई ये करेंगे, बट देन चीजें देखो ऐसे ही बदलती हैं, कभी कभी आपको एक आधा ऐसा मैच आपके टूर्नामेंट बदल सकता है, आपकी कैंपेन बदल सकता है, जो शायद लाइन हम पंजाब के लिए हर साल कहते हैं, क्योंकि हर साल एक डेड मैच हारा हुआ सा मैच जीतते हैं और एक मैच ऐसा ही हारते भी हैं, तो पंजाब को देखना पड़ेगा कि भाई आईपीएल जो टूर्नामेंट जीतने का सबसे बड़ा फॉर्मूला जो इनके पास मिसिंग रहा है हर एक एस्पेक्ट में, वो है कंसिस्टेंसी, इनकी सिलेक्शन की कंसिस्टेंसी, इनकी रिटेंशन की कंसिस्टेंसी, इनके कप्तानों की कंसिस्टेंसी और इनके खेलने में जो कंसिस्टेंसी बहुत ही ज्यादा नहीं दिखती आपको कभी भी, और इसी वजह से नीचे रह जाते हैं। तो आज एक मैच आप ऐसा जीतो जो शायद आप हार चुके थे, तो अब ऐसे मैचेस जिनमें आप अच्छी पोजीशन में हो वो गवाओ मत, तो एटलीस्ट आप रेस में रहोगे, मिक्स में रहोगे, तो वो चीज भी थोड़ा सा इनको जो है बेहतर आना पड़ेगा कि किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस रहती है। पॉइंट्स टेबल पे पंजाब अब आ गई है चौथे नंबर पर, चलो पांचवें नंबर पे दिखाइए पॉइंट्स, चलिए एक बार जरा दिखा दिए आप अभी। मैं तो बहुत बड़ी खबरें आ रही थी, खैर आपको बता, तो कोलकाता अनबीटन, राजस्थान अनबीटन, चेन्नई तीन में से दो जीता है, लखनऊ तीन में से दो जीता है, पंजाब चार में से दो जीता है, गुजरात चार में से दो जीता है। अब मैं हैदराबाद की बात कर रहा हूँ कि इंटिमिडेटिंग को तीन में एक ही जीते हो, और कल है उनका कल जो भी तीन में एक ही जीते हैं वो भी अभी तक, ठीक है जी। बैंगलोर कितने खेला, चार में एक जीता, चार में एक तीन, चार में एक जीता है। दिल्ली कैपिटल्स चार में एक है, तीन एक है, और मुंबई तीन में तीन, तीन में तीन हार है। शुरू की लीड लेना बहुत बहुत जरूरी होता है, आपको पता है बहुत जरूरी होता है, आप जो मर्जी कह रहे हैं बाद में पता नहीं है ना, ये शुरुआती इम्पेटस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और राजस्थान की मैं जैसे है कभी ना कभी तो उनकी बैटिंग चलेगी, ये तो ना चल के जीत रहे हैं तो फिर जब चलेगी तो रियान पराग ने उनको बचा के रखा फॉरवर्ड, यस रियान पराग बहुत बड़ा फैक्टर, और बॉलिंग अलग ही रियान पराग ने राजस्थान की बॉलिंग तो आंख बंद करके रियान पराग ने उनको करने के लिए शो में उन्होंने बताया। आई थिंक जो लोग ना मुझे लग रहा है कुछ लोग एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हैं, उनमें से एक यूजी चहल भी है, और शायद वो और शायद मुझे लग रहा है यशस्वी जायसवाल ना वही दबाव अपनी गेम में इस, मुझे यशस्वी जायसवाल को दो तीन मैचों में मैंने देखा, मतलब वो थोड़ा सा ना अलग ही दिख रहे हैं, एंड ही डजंट नीड टू बी, ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही जस्ट नीड्स टू बी यशस्वी जायसवाल। बट सर वो दबाव क्यों आ रहा है उनका, मतलब आप ऐसा कहें ना कि पास मैं पिछले साल ये था और मैं इससे और भी अच्छा हो जाऊं, वो आप बना लेते हैं, वो आप गलत बना लेते हैं, और पर अच्छा चल रहा था, एक चीज आप अच्छे हैं अच्छे रहेंगे। यशस्वी जायसवाल को ये भी होगा यार, हो सकता है वो भी अभी श्योर नहीं है कि मैं, जो हम बात कह रहे हैं ना कि भाई आपको कौन दिख रहा है पहला मैच ओपन करते हुए इंडिया का, जब आयरलैंड के साथ खेल रही होगी इंडिया 4 जून को, तो ओपनर कौन होंगे आपके, रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, ये बात आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं सभी बोल रहे, मैं भी बोल रहा हूँ, बट क्या यशस्वी जायसवाल इस बात को लेकर 100% श्योर है, आई थिंक सोचने का मतलब ही नहीं, आप एंजॉय मैं मानता हूँ, बट देखो बैक ऑफ योर माइंड आपको पता है कि मैं वहां पहुंच गया हूँ, अब वो जगह मेरी है, बट क्या वो श्योर है, नहीं।
दूसरी चीज आई थिंक जायसवाल के साथ ये हो रही है, जो दो डिसमिसल उनके हुए हैं, राजस्थान ने अभी तक 3 मैचेस खेले, जायसवाल के, यशस्वी जायसवाल के 2 जो डिसमिसल हुए हैं ना वो पुल मारते हुए हुए, एक आई थिंक मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ है ना, ऐसे मिड ऑफ और मिड ऑन पे हुए हैं वो, नहीं दोनों अंदर सर्कल में, सर्कल में वो, मतलब वो अपना रेपुटेशन पे भी खेल रहे हैं, जो अच्छी बात भी है, बट उनको ये भी सोचना चाहिए कि अब वो ना ही इज अ मैच विनर, अब टीम उनके कंधों पर डिपेंड करती है, टीम उन पे डिपेंड करती है, फिर चाहे वो राजस्थान रॉयल्स हो या फिर इंडियन टीम हो, वो मेरे को हालांकि कोई गिला नहीं है, और मैचेस अभी सिर्फ 3 ही हुए हैं, पिछला तो उनका सीजन शुरुआत इतनी वाहियात हुई थी, और उसके बाद उन्होंने क्या करिश्मा, किस तरीके से वो वापस आए थे, उन्होंने सब कुछ पलट के रख दिया। देखो उनके पास सब कुछ है, देखो भले जॉस बटलर स्ट्रगल कर रहे हैं, बट जॉस बटलर जैसा एक पार्टनर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफी चीजें देखी है, तो ऐसा भी नहीं है कि उनको जी बटलर के भी रन अपने आप बनाने, बटलर भी आएंगे, ही विल कम गुड, नहीं वो उन्होंने हाँ वो जो किया है वो अर्जुन जी हैं पंजाब के बहुत बड़े वो समर्थक हैं, उन्होंने शायद भेजा, अर्जुन त्यागी जी से सवाल आते भी रहते हैं, उस दिन जब राहुल भाई आपके लिए भी केक भिजवाया था उन्होंने, अरे हाँ बर्थडे वाला, तो वो उन लोगों ने पंजाब की, उन्होंने उस टाइम कहा था कि पंजाब जीतती है तो मैं आप लोगों के लिए जरूर भेजूंगा, ले सवाल शुरू करें, सवाल शुरू कर रहे हैं, और ऋषभ आप नोट कर ले। अच्छा हरमन बाजवा जी हैं ऑस्ट्रेलिया से, बाय द वे ऑस्ट्रेलिया से वो बोल रहे हैं आई एम योर सब्सक्राइबर सिंस, मतलब जो हमारे 100 सब्सक्राइबर्स थे ना, शुरुआती सब्सक्राइबर है, वो कह रहे हैं आई डोंट नो व्हाई राहुल सर हैज अ प्रॉब्लम विद पंजाब किंग्स, आई हैव नेवर सीन हिम प्रेजिंग पंजाब किंग्स इवन इफ दे प्ले वेल। 32 लोगों ने लाइक किया हुआ इस कॉमेंट को, आप पर ये इल्जाम है जनता की अदालत में, यार पंजाब ऐसा तो नहीं हो सकता, छिपा नहीं पाते हो, छिपा नहीं पाते अपनी फीलिंग्स, ओ ये भी हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, देखो पंजाब ने यार कुछ किया भी नहीं है, जब वो जीतेंगे आप कैसे सोच सकते हो कि मैं बोल दूं कि नहीं नहीं पंजाब अच्छा नहीं खेला, मैं नहीं मानता ये जीत जीत है, ऐसा तो होता नहीं है, सीख मिली, बट अगर आपने बोला है तो यार सोचा जाएगा, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, पंजाब में हमारे बड़े सारे दोस्त हैं, दोस्त तो खैर पता नहीं कहना सही होगा नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम जानते हैं पंजाब, मतलब उस टीम में भी बहुत सारे लोग हैं, आई विश देम वेल, और आगे देखते हैं। प्रकाश गौतम है वो कह रहे हैं विक्की पाजी मजा आ गया, इंडिया अनकैप प्लेयर्स ने धूम मचा दी, पंजाब को सारे फॉर्मर और फॉरेन प्लेयर्स को निकाल दो पाजी, शशांक भैया छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया, ये यार शशांक भैया के लिए तो तालियां हैं, शर्मा के लिए भी भाई, प्रेशर सिचुएशन में जाकर वहां पर परफॉर्म करना, और देखो ऐसे ही होता है, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अरे यार ये इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स ले आते हैं, बॉल इनसे लगती नहीं, सर्कल टपा नहीं पाते, आप इन्हें ले आते हो, इनको बड़ा बना देते हो कि ये हुए, तो ऐसे सिचुएशन में पता है क्या होता है, काफी बारी आपकी एक खराब इनिंग्स आ जाए ना, लोग ये जज कर लेते हैं कि भाई डोमेस्टिक में करा होगा, पता नहीं किसको किस ग्राउंड पे मारा है, इनको यहाँ पर आईपीएल लाइक नहीं है ये, एक हैदराबाद में जब ये खेलते थे, इन्होंने ऐसे कैमियो खेला था एक दिन, बड़ा तेज जिता नहीं पाए थे, बट एक कैमियो तेज आया था, पिछले भी एक मैच एक आधे मैच में उन्होंने एक थोड़ी सी तेज पारी, मतलब वो करा कुछ, लेकिन आज जो करा ना वो आज उनको विश्वास देगा कि भाई अब मैं भी सिर्फ ये नहीं है कि नंबर फिल कर रहा हूँ कि इनको लास्ट में 2-3 छक्के मारने वाला प्लेयर चाहिए वो मैं हूँ, मैं ऐसा प्लेयर भी हूँ जो ऐसी सिचुएशन से भी मैच निकाल सकता हूँ, तो ये बिलीफ बहुत ज्यादा उनके लिए जरूरी है। तो कह रहा हूँ कि आईपीएल कभी कभार होता नहीं, लड़के जो है सबको लगता तो है, बहुत लोगों को लगता है कि यार हम खेल सकते हैं, हमें खेल सकते हैं, बट हर किसी को ना वो प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, और जिनको मिलता है उसमें से सारे निकलते नहीं है। शशांक ने आज, और सबसे बड़ी बात देखो, रन जो मैटर कर गए, जो जिता गए आपको, हारी भी बाजी आपको जिता गए यार, हैट्स ऑफ टू दैट बॉय। मितिशा है वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हो? अच्छा वो बोल रहे हैं कि कुछ लोग फर्स्ट इनिंग्स के बेसिस पे बहुत उछल रहे थे, उनके पांव जमीन पे रखना जरूरी था, ये इनिंग्स उन मुफटों के लिए। अच्छा मुफटों के लिए कौन है पता नहीं, हम में से कोई था, हमारी बात कर रहे हो, चलो आगे चलते हैं, हमारी मतलब मेरी बात कर रहे होंगे। चंकीरत है, आपसे भी कम परसेंटेज दी थी राहुल, चंकीरत आपने 4.99 दिया था, किसी ने 2-3% दो, अरे आगे सुन लो यार, क्योंकि पंजाब है, अरे आगे बोल लूं भाई, कोई बात नहीं, आज सर जीते हैं, चंकीरत मेरे खुशी मनानी चाहिए, कनाडा से वो कह रहे हैं कि हूं की बोलने, उनकी बोलना है जी राहुल जी, उनकी बोलेंगे पंजाब के अंदर, पंजाब चकदे बड्डे ब्रा। अच्छा गुरप्रीत ने कल बाकी बोले, गुरप्रीत ने कहा पाजी आई टोल्ड यू यस्टरडे वी विल विन, बुर्रा बुर्रा। ऋषभ धवन आपको बस वो खुशी मना रहे हैं, सब जश्न मना रहे हैं, चलो चलो
मिस्टर शेखर जी, शेखर जी आ रहे हैं। चलो चलो वेल प्लेड टुडे। 10 साल से प्लेऑफ तक ना पहुंचने वालों को कोई तो खुशी मिलनी चाहिए। आरसीबी वाले तो बेवजह दूसरों की जीत में। यार देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगा मिस्टर शेखर, जो दूसरों की जीत में खुश हो जाए ना वो तो ठीक है, जो दूसरों की जीत में नाराज होते हैं ना वो ठीक नहीं है। सही बात है। दूसरा जीत गया आप खुश हो, खुश हैं आप, दूसरे की जीत पे आप करो वो तो भाई खुशी चाहिए। सही बात है। नहीं, वेरी हैप्पी, स्पेशली यार जब आपका इंडियन टैलेंट अच्छा करता है ना। इंडिया, आपको तो एक ही आवाज वैसे भी इंडियन टैलेंट। खैर, मिस्टर शेखर जी का हमने ले लिया सवाल। हरमीत सिंह है कनाडा से, कह रहे हैं टूटा है राहुल का घमंड, न्यू स्टार इज बॉर्न टुडे। चलिए जी, आपको लगता है अगर यार राहुल एक बात है लेकिन आप इतना मतलब आप लोग मतलब मुझे भी नहीं पता था। अच्छा रास्ते में ये पंजाब की तारीफ करते आते हैं, मैं ये भी आपको बता, मैं नहीं करता, मैं तो बताया क्यों आपको, यू डोंट हैव टू। अच्छा फ्रेंड फॉर मी। एनीवेज, चरणजीत सिंह है वो ऑस्ट्रेलिया से, वो कह रहे हैं शेखर भाई तो धीरज भाई, टू धीरज भाई यार आपको अपनी जीत पर खुश होने का मौका तो मिलता नहीं, चलो किसी की हार पर ही सही। नहीं नहीं चरणजीत जी, वो किसी की हार पे नहीं खुश हो रहे यार, मेरे को वो किसी की जीत पे खुश हो रहे हैं। आई कैन देयर इज अ डिफरेंस। अरे वाय, अर्जुन जी क्या केक भेजा यार, पंजाब धूम पंजाबी, दिखाओ यार क्या केक भेजा इस वाले पे। अभी स्टोर एक मिनट, इसको निकाल लो ना, आगे भी जा रहा हूँ। यार अर्जुन का पूरा नाम बताइए। अर्जुन त्यागी, अर्जुन त्यागी जी ने भेजा। राहुल भाई के बर्थडे पर भी उन्होंने मतलब लेट हो गए थे, उस दिन आए, उस दिन जो केक भिजवाया था एक बता दे, उसका दोबारा अर्जुन मिलने। नहीं अर्जुन जी थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस यार अर्जुन जी आपको। वाओ अर्जुन, वाओ वेल डन यार। अच्छा मैं आपको बताऊं, जैसे अर्जुन जी ने भेजा है आज जीत पे, एक टीम की जीत पे केक। हमारे सौरभ सिंह ने डबलिन से पता है ना क्या किया है, असली जो वो है ना स्पोर्ट्स तक परिवार वाला, क्यों धीरज उनके उसके अनबॉक्सिंग करो। वो करूंगा उसका, मैंने कर रखा है इसलिए थोड़ा उस दिन अरेंजमेंट है कुछ उस दिन के लिए कर रखा। अच्छा ये केक कितनी है? है ये नहीं देखा मैंने अभी, आई बस वैसे का वैसे ही रखा है भाई। सौरभ सिंह ने डबलिन से पता क्या किया, क्या उन्होंने वेबसाइट पे जाके आरसीबी की जर्सी इनके लिए ऑर्डर की और वो आज मिल गई है प्यूमा से। वाह यार, सौरभ जी के लिए भी ताली है, मतलब बताओ। वो भी आरसीबी को सपोर्ट करते हैं। हाँ। वो किसकी करते हैं सपोर्ट, की बात को सपोर्ट जरूर करते हैं। मैं कहता हूँ सौरभ सिंह, अब अगेन गॉड ब्लेस हिम, ये कोविड के जमाने से वहां से जब डबलिन से अपने चार्ज भेजते, मैं कहता भी था मत भेजो पैसे, वो स्टूडेंट थे, स्टूडेंट थे सौरभ सिंह ने ना नाना करते भी, मतलब हमें कितने किलो जलेबी खिला दी होगी, कितने किलो इन्होंने हमें वो रबड़ी खिला दी होगी, मतलब सौरभ सिंह के लिए हमने कुछ नहीं किया। ये मैं अपना हाथ, हम रहेंगे आपके गुनहगार। सही बात है, हम गुनहगार रहेंगे, उनकी शादी थी हम जा नहीं पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन सौरभ गॉड ब्लेस सौरभ भाई, अर्जुन गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच अर्जुन और सौरभ भाई, गॉड ब्लेस आप सभी के लिए, आप सभी लोग जो हमारे यार कमाल है यार, मतलब लोगों ने यार आज वो वक्त है ना कि इंसान कई बार अपनों के लिए नहीं करते हैं। और हाँ आज ना वो मत लिखना फ्रंट फुट कौन सा लेम सर, केक इनका एक बार कट कर लेते फिर आगे। और मैं चाहता हूँ कि ये केक जो है हम वहां चल के, हाँ आइए सब आइए, नहीं आप काटना तो आप लोगों को पड़ेगा। अरे नहीं यार ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं तो ब्ले, या तो देखो यू शुड बी ग्रेशियस, यू शुड अलाउ खुशी। यस तो मैंने क्या बोला? नहीं नहीं आपने बोला नहीं, जो भी हुआ है आपकी वजह से, आपने तो आपको काटना मैंने कहा नहीं, नहीं आप तो नहीं आप ही काट रहे थे आज जो हुआ है आपकी वजह से। हाँ 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 आपकी वजह से भाई जो हुआ है, और राहुल अगर ना होते ना दोनों तो कहां से, पंजाब ने जीतना भी नहीं था, जगाया इन्होंने पंजाब को। चलो खुशी प्लीज डू दी ऑनर्स, खुशी बेटर है आप, मैं पकड़ लूं। अरे यार खुशी, अरे आओ मैं पकड़ लेता हूं, आओ सर आओ, आप तो पंजाब के मेन, मैं खड़ा हूं ना फोटो में खड़ा हूं, काटोगे आप लोग ये पकड़ो, नीचे आओ, आओ राहुल जी। नहीं नहीं खुशी को पंजाब के लिए भाई, चलो जी अर्जुन भाई ने भिजवाया, चलो जी मुबारक हो पंजाब को ये चीज। शशांक सिंह, आशुतोष, और ये पहली जो वो वाइट है वो सौरभ को बुलाओ, सौरभ की आवाजें आ रही थी वो पिछले मोहल्ले तक, छक्का लगाओ और वो थोड़े से बीमारी से भी उठ के आए। सौरभ को आप खिला दीजिए, बुरा पंजाब के लिए थोड़ा कुछ बनता भी है फिर, कुछ पंजाब के शेरों के लिए एक डायलॉग यार कुछ हो जाए, सौरभ उनके हालात मतलब नहीं, चल दे फटे
ये ले, ये रोटी खाई है इधर थोड़ा सामने दर्शकों के लिए आ जाए इधर आ जाए इधर ही आ जाए मैं डिस्कूल आ जाए आप बैठ जाओ तब तक थोड़ी देर आप मैं इधर बैठो बैठो इधर बैठो पीछे खड़ा हूँ बैठिए अरे यार ये मैं आपको ना मीत सोनी ने आपका वीडियो वो किया है हाँ इसको वो करवा देते हैं ना वो कह रहे बोलो तारा रा रा तब बोलो तारा रा पंजाब के लिए सिद्धू पाजी होते तो क्या पेश करते हैं सबसे पहले तो सिद्धू पाजी युवाओं के लिए क्या बोलते हैं जो मैं पहले बोल रहा था वो दरिया ही क्या जिसमें नहीं रवानी अरे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी खड़ा उसके बाद जब आशुतोष का कैच हवा में गया था और उमेश यादव ने कैच ड्रॉप किया था तो सिद्धू पाजी ने क्या कहा था और गेंद हवा में और फील्डर लटखेंगो पटखेंगो डाल पे चूका बंदर और वक्त पे चूका इंसान बहुत पछताता है गुरु पछता गए उसके बाद आज पंजाब ने इंपैक्ट प्लेयर को अच्छे से यूज किया तो सिद्धू पाजी का कौन सा शेर कि देखो बॉस आम और नींबू गला दबाने पर ही रस देते हैं तो दोनों ने बराबर निकाल दिया लास्ट में शशांक सिंह की बॉल टॉपेज लगा और पीछे चौका चला गया तो जब वो पीछे चौका गया तो उन्होंने कहा और ये गोली मारी मनीराम को लग गई घनश्याम को मर गया तिवाड़ी और बॉस गेंद जानी कहीं थी और चली कहीं गई काम हो गया एक पत्थर टूट के कंकर कंकर हो गया एक पत्थर टूट के शंकर शंकर हो गया ये रहता है सारी पंडित कमेंट्री में किया ये सारे डायलॉग्स और बताओ और ठोको ताली आगे ठोको तीन मिनट तक ठोक दो उसके बाद खाली एक मिनट हो है देखो दो मिनट और टीम पंजाब की जीती है तो पंजाब की जीती है तो कप्तान की तारीफ होती है तो जब भी कप्तान की तारीफ होती है तो उनका एक फिक्स शेयर रहता है अच्छा कि काटे सर नाम तलवार का और लड़े फौज नाम सरदार का तो आज शिखर धवन की टीम जीत गई तो नाम शिखर धवन का हो गया तो ये सिद्धू पाजी का कहना रहता है ये मतलब उनका कलेक्शन था उसके कलेक्शन में से मैं जो है मेरे को ध्यान रहे जैसे 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 याद आते रहे तो मैंने 10-12 उनके निकाल के और वो जो बोना पर्वत पे पहुंच जाए बोना इंसान अगर पर्वत पे भी बैठ जाए तो वो बोना ही रहेगा ओ गुरु मेरी चाची के मुंह छोती तो मैं उसे चाचा ना कह देता ये और जो देवता ये राहुल सर बोलते हैं बहुत अच्छा तबियत खराब तब इनकी तबियत खराब मनोज आप बता दीजिए ना ये मुझे राहुल भाई आप करते हो एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट गुरु ओ गुरु बोना बोना ही रहता है चाहे वो पर्वत के शिखर पे चला जाए और देवता देवता ही रहता है चाहे वो कुएं की गहराई में भी हो मैच में क्या था अगर 160 रन होते ना पंजाब के सामने और राहुल सर और खुशी दोनों बोलते कि पंजाब चेज नहीं कर पाएगा तो हम मान लेते कि पंजाब नहीं चेज कर पाएगा लेकिन जैसे ही 200 बोर्ड पे लग गया तो आप समझ जाओ कि पंजाब चेज कर सकता है क्योंकि ऐसी टीम है 150 रन में हार जाते हैं ये मैच 120 पर ये घर भी चले जाते लेकिन जैसे ही 200 इनके सामने आया तो इन्होंने 2022 का वो बदला ले लिया जो राहुल तेवतिया ने ऑडियंस स्मिथ को छक्के मार के हारा हुआ मैच जिताया था। मैच में था 3 बॉलों पर 13 रन चाहिए थे ऑडियंस स्मिथ ने डॉट कर दी उन्होंने ओवरथ्रो मारा भला स्टंप हिट करे और ओवरथ्रो हो गया 1 रन भाग गया 2 पे 12 हो गया तेवतिया ने फिर 2 हिटे मार दिए 2 छक्के मार दिए वो ओवरथ्रो मारने की जरूरत थी जरूरत नहीं थी आप बॉल पकड़ के अपना जाते चुपचाप वो ऑडियंस तो वो भी काम ऑडियंस स्मिथ ने ही करा था तो आज पंजाब के नाम बुर्रा बुर्रा यार शहरी पाजी की कमेंट्री तो ना लेकिन जो है वेल डन यार 3 मिनट हो गए केक और सिद्धू पाजी मजा आ जाएगा यार धीरज भाई आज ये केक खाने केक और सिद्धू पाजी हैं केक और सिद्धू पाजी केक खिलाओ यार केक आप तो खाओ पहले सबको खिलाया जाएगा केक सब और क्या खुशी हर जगह है नहीं खुशी खुशी है यार खुशी यहाँ पर भी है आप लोगों को भी है बिल्कुल आप राहुल सर का मुंह मीठा कीजिए और खुशी का भी मैं तो बाकी केक घर ले जाऊंगा चलो मुझे मत अभी खिलाइए मैं आराम से बैठ के खाऊंगा मैं तो खाऊंगा ऐसे क्या ये लीजिए अरे मैं ले रहा हूँ आप लोग ये लीजिए आप ये बहुत सारा खुशी बनाइए अरे खुशी ऐसा केक किस्मत वालों को मिलता है हमारी किस्मत देखो ओहो अर्जुन त्यागी जी ने भेजा पंजाब के लिए चाहे इंटरमीडिएट है कुछ है कुछ चीजों में यार छोटा नहीं फिर बड़ा 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 वड्डा ये वड्डा 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 नहीं वड्डा वड्डा
इतना बड़ा भी चलो ठीक है इतना चल। ओ, ओ, ऋषभ ने नहीं खाया उनको, ऋषभ आके खा लो इधर आओ, पूरा केक उन्होंने ही खा लो जी। इंटरमीडिएट तोड़ता आज दा, ओए होए होए होए, स्वाद भी है, मजा आ गया, अमेजिंग। अर्जुन जी थैंक यू सो मच, मुबारक एंड थैंक यू। ओए होए, तुषार राजपाल खैर कह रहे हैं कि व्हाई इज मोहित शर्मा नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ही हैज टू बी, हु नोस, यू नेवर, अगर आप भाई साहब परफॉर्मेंस पे टीम चुन रहे हो ना इंडिया की, यू नेवर, मोहित शर्मा को लेके जाना, बट वो चुनेंगे नहीं ना परफॉर्मेंस पे, आप इंडिया में टीमें चुनते हो नामों पे बस। शिकागो से करण शेर जी हैं, आई थिंक करण शेर संधू अमेरिका, शिकालो फ्रॉम शिकागो, आज पंजाब ने दिल खुश कर दिया इतने सालों बाद, विल सी यू गाइज एट द T20 वर्ल्ड कप हियर। अच्छा, अभिषेक कुमार हैं, वो कह रहे हैं कैन मयंक यादव फुलफिल शमीज प्लेस टू सम एक्सटेंट इन द वर्ल्ड कप, डिफिकल्ट राइट नाउ, ही मे और ही मे नॉट बी एबल टू, बट आई डाउट कि उसको लेके जाएंगे। निशांत राघव आए हैं, मनोज के दोस्त, वो कह रहे हैं फील वेरी हैप्पी आफ्टर आई लॉस्ट इन माय प्रेडिक्शन रेट अगेंस्ट आरसीबी, नाउ अगेन बैक टू हिज विनिंग वेज, दो मैचेस उन्होंने लगातार जीतनी है टिल नाउ, अभी तक उनका है 12 मैचेस उन्होंने हारे हैं और 5 जीत लिए हैं, 12 जीते होंगे, ओ अच्छा सॉरी नहीं, वो लिखा है उन्होंने टिल नाउ 12-5 इज माय प्रेडिक्शन रेट, मतलब 12 जीते ही होंगे ना आरसीबी की, हां आरसीबी के वैसे वजह से वो उनके दो स्लोली ही सही आ गए हैं, वो भी शाबाश निशांत, वेरी गुड यार निशांत भाई, बड़े दिनों बाद आया, बोलो उन्होंने। हरिंदर बैन से वो कह रहे हैं कि राहुल सर नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पंजाब टीम, गुड टू सी इट, द ओनली इशू इज पंजाब खुद ही अंडर एस्टिमेट करता है अपने आप को। विक्रांत पाजी आज तब भंगड़ा दी एक स्टेप, बिग फैन ऑफ, ओ यार तो बहुत यार की कर दो, शुरू च भंगड़ा ही तो पाया आप, देखना अगर आपने लेट ज्वाइन किया था। और आओ मोंटी व्यास हैं, वो कह रहे हैं ये वही शशांक सिंह हैं जिसको पंजाब किंग्स ने ऑक्शन में गलती से खरीद लिया था। जी मोंटी जी, हमने इस बात का भी जिक्र किया और कैसे पंजाब किंग्स को फिर बाद में क्लैरिफिकेशन इशू करना पड़ा। ईशान भट्ट है, वो कह रहे हैं स्पोर्ट्स तक, आई फील कोहली शुड नॉट बी पिक्ड फॉर द वर्ल्ड कप, रिंकू गिल शुड ऑल प्ले, कैन कोहली स्कोर 49 बॉल 100, 20 बॉल 50, हाईली अनलाइकली, धोनी प्रमोटेड यंगस्टर्स देयरफॉर ही हैज वन सो मच, योर थॉट्स प्लीज। हाँ। अच्छा एक समीर का यूएस से आया है और आप बात करके जिरा करके आप बताना सही है कि नहीं, उन्होंने कहा कि जो ट्रांजिशन होती है ना 19वें से 20वें ओवर में, गुजरात की बात कर रहे हैं, ये आशीष नेहरा की बात कर रहे हैं कि वो हर बॉल पे अंदर मैसेज भेजते हैं, तो वो कह रहे हैं कि बॉलर की लय भी टूटती है। उन्होंने कहा आज भी पहली गेंद पर विकेट गिरा है बट उसके बाद इतने मैसेजेस कि बॉलर बौंदला गया। सेम वो कह रहे हैं कि आईपीएल फाइनल जो था लास्ट ईयर उसमें भी ऐसे ही हुआ था, मोहित की लय भी टूट गई थी जब आप बाहर से इतनी इंस्ट्रक्शंस और इतने मतलब हाइपर हो जाते हैं। सर कभी कभी ये फायदे में भी काम करता है टीम के और कभी कभी नुकसान भी होता है, जो चल जाता है यार उसको पता नहीं, मतलब जब नहीं होता है तो वही बात है। मैं देखो पिछले साल का जो आईपीएल फाइनल था वो देखो कहीं भी, वैसे अनलाइक फुटबॉल क्रिकेट ना अंदर से चलती है, नहीं वो तो आई एम श्योर अंदर से चलती भी होगी, हाँ आप बाहर से थोड़ा सा, आप देखो वो जो टॉप एज लगा था, लीडिंग एज जो लगा था, ठीक है चौका गया था, बॉल ठीक था ऊपर से, अब अगर वो बात उनकी, मैं हालांकि टू अ ग्रेट एक्सटेंट में उनकी बात से इत्तेफाक भी रखता हूं और मैं तो खुद, मुझे अगर मैं अंदर हूं कोई बार बार बाहर से करे आई थिंक थोड़ा ना आपको भी आप इरिटेट हो जाते हो, बट मे बी दैट हैज वर्क्ड फॉर गुजरात टाइटंस आज तक किया है। और आज भी देखो वो लीडिंग एज था, उनके पास थर्ड मैन नहीं था, होता तो क्या होता, बट जैसे शरीफ आजी कहते हैं कि भाई उनकी दादी की अगर मूछें होती तो दादा होते। खैर ESPN क्रिकेट है, वो कह रहे टू ऑल प्लीज आंसर ऑनेस्टली इफ इंडियाज वर्ल्ड कप टीम इज पिक टुडे आफ्टर वॉचिंग दीज मेनी गेम्स इन द आईपीएल, शुड हार्दिक और रोहित बी पार्ट ऑफ आर T20 वर्ल्ड कप, दीजिए जी जवाब, क्या सवाल का जवाब दीजिए ना,
वो कह रहे कि अगर आज वर्ल्ड कप का स्क्वाड पिक किया जाए तो आपको क्या लगता है कि हार्दिक और रोहित उसमें मतलब पूरे डिजर्विंग तौर पर आ रहे हैं एक तरीके से? हाँ हाँ यार, जो फिर वही बात, वो डिजर्व करना ना करें ना करें, हम लोग कौन होते हैं जज करने वाले, हमारी तो कुछ से है ही नहीं, हम सिर्फ ओपिनियन, हम अपनी टीम हमारी पहले अनाउंस कर चुके हैं। बाकी आरव का जो सवाल आया वो कह रहे ड्यू रिस्पेक्ट, व्हाई यू ऑलवेज अंडरएस्टिमेट एलिस्ट। यार देखो यहां पे बैठ के ना हर इंसान किसी ना किसी टीम को अंडरएस्टिमेट करेगा जो सामने वाली है आज के दिन पर, उनके सामने वो हर कोई कोई ना, मैं ऐसा नहीं है यार, बाय द वे लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, लखनऊ फ्रेंचाइजी वो दूसरा ही साल है, नहीं तीसरा साल हो गया, थर्ड, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंचाइजीज इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। वो हर बार हमारी टीम को कहते हैं आप मैचेस में भी आइए, इंटरव्यूज भी कीजिए, दे आर वेरी कर्टियस। सबसे महंगी फ्रेंचाइजी है, नो एयर्स, नो उनका कोई वो नहीं है उनका, तो आपको ये लगता है, ऐसा नहीं है यार। फिर अब देखो हर टीम को तो हर इंसान नहीं ना बैक करेगा। मनीष शर्मा जी अभी एसएस कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा, बोल रहे हैं कि वीजी एसएस ने 50 की शायद टोट कर रहा हो क्या पता, वो कह रहे हैं कि डगआउट से कोई खड़ा नहीं हो उस टाइम जब उन्होंने 50 किया। अच्छा जब 50 किया था खड़ा नहीं, कभी कभी होता ना कि टोट का भाई जो जहां है वहीं। हार्दिक पांड्या फिर बोले क्या बोल रहा, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ कि वहां से इनका क्या है। अच्छा वीरू कायस थे वो कह रहे हैं मनोज भाई आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल था आज का मैच देख के, ये फील आया आज पंजाब ने इंडिया जीता, राहुल भाई हमेशा कहते थे जीतेगा तो इंडिया ही, सही बात है। अच्छा ई फुटबॉल उनको एक शाउट आउट है, रोबित मासी हैं वो कह रहे हैं विक्रांत पाजी पंजाब को बॉलिंग भी ऐसी अच्छी करनी चाहिए। उसके बाद वीरू कायस दोबारा हमारे इनफैक्ट ये मेंबर भी हैं क्या फैन जोन के मेंबर भी हैं, अभिषेक पिल्ले हैं वो कह रहे हैं कि एमआई मस्ट इंक्लूड नबी एंड कुमार कार्तिकी इन दी 11। नबी और कुमार कार्तिकी को मैं थोड़ा और देखना चाहूंगा यार खेलते हुए, मैं चाहता हूं कि उनको मिले मैचेस। शैंकी भाटिया 309 वो कह रहे हैं पंजाब शुड कंप्लीट ओवर्स ऑफ अर्शदीप कगिसो रबाडा सैम करण एंड हर्षल, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स रॉन्ग विद मैनेजमेंट, चार नंबर पर करण को नहीं खिलाना चाहिए, पैसे दिए हैं तो काम भी लेना है, ऐसा है क्या? कि बैटिंग बॉलिंग सब करो आप ही, हमारी बात है। अच्छा अभी सुरेश हैं वो कह रहे हैं विक्रांत सर आप पंजाब जीता है इसका खुशी मनाओ ना अंबाती राइडू ने क्या गलत कहा है, ये बोलने की क्या जरूरत थी आपको और राहुल भाई को, राइडू और गंभीर जैसे लोग तो भगवान जैसे लगते नहीं हमें, और भी बहुत से प्लेयर हैं, युवराज सिंह भी हमें भगवान जैसे लगते हैं आपको पसंद नहीं है, हमें कभी सुरेश रैना भगवान जैसे लगते हैं वो भी आपको पसंद नहीं है, हमें हरभजन सिंह सुनील गावस्कर कपिल देव भगवान जैसे लगते हैं आपको वो भी पसंद नहीं है, हमें कोई भी भगवान जैसा लगता है तो आपको क्यों पसंद नहीं है मैं ये जानना चाहता हूं है। और ये किसल्या श्रीवास्तव बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गोट जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता गावस्कर इज अ क्रिकेट लेजेंड विद जस्ट वन ओडीआई सेंचुरी बट रोहित इजंट विद 12 टेस्ट हंड्रेड्स 42 ओवरऑल शेमफुल। हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, सुनील गावस्कर ना आईना है जिससे क्रिकेट चली है और ये तुम पैदा हुए होगे अभी जहां तुम्हें ओडीआई क्रिकेट के 100 दिखते हैं, ठीक है। नंबर वन सुनील गावस्कर लेजेंड नहीं है, वो लेजेंड ऑफ लेजेंड है। नंबर टू रोहित शर्मा की उस दिन बात हुई थी, मैंने कहा था रोहित शर्मा भी हो सकते हैं, एम आई राइट? और यहां पे हम क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो टाइटल्स, अब बात चल रही थी एबी डिविलियर्स से बात चली तो रोहित शर्मा तो मैं तो मानता ही हूं, और मैंने ये भी बोला था उनके 50-100 ध्यान से सुना करो, ये इधर से और उधर से मत सुना करो, समझे ना वो चाचियों की तरह, उसको ध्यान से सुना करो। उसमें मैंने बोला कि यार उनके 50-100 हैं और 50-100 से ज्यादा वाले कई ऐसे होंगे जो अपने मुल्क के लेजेंड होंगे बट शायद दुनियाई क्रिकेट में लेजेंड नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है आई वुड हैव बीन रॉन्ग, जो धीरज और आपका भी व्यू था कि एबी डिविलियर्स इज अ लेजेंड, हो सकता है वो हो, मैं या राहुल या मनोज या धीरज क्रिकेट नहीं चलाते हैं, ठीक है ना। लेजेंड मेरा ये मानना होता है कि प्रेजेंट जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हो ना, कभी आपको फुल एंड फाइनल नहीं पता होता कि यार ये लेजेंड है कि नहीं है। 12 टेस्ट सेंचुरीज, लेट मी बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट विद यू, 12 टेस्ट सेंचुरीज ना लेजेंड नहीं हो सकते, बट उनका क्योंकि व्हाइट बॉल का रिकॉर्ड इतना जबरदस्त है और 50-100 होने वाले हैं ना इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो लेजेंड ही होंगे, इंडियन लेजेंड तो है ही है वो। यहां तक हमने बात की थी कि यार युवराज सिंह की कि क्या वो लेजेंड है, ये भी बात हुई थी ना, आपने कहा ये भी बात हुई थी ना कि वो है कि नहीं है,
वाइड बॉल में होंगे, बट टेस्ट क्रिकेट में यूवी को इतना मौका नहीं मिला, उन्होंने भी अंडर अचीव किया। सो ये फालतू की ना ये चाचा चौधरी मत बना करो, और ऊपर से पैसे भी खर्च रहे हो। सिद्धांत अग्रवाल है, कह रहे हैं नोबडी इज टॉकिंग अबाउट राहुल तेवतिया, इंडिया नीड्स अ क्लच प्लेयर लाइक हिम। मैं तो कहता हूं राहुल तेवतिया को बॉल क्यों नहीं कराते, ये बताइए। ये पूरा डोमेस्टिक सीजन राहुल तेवतिया ने तो बॉल बड़ा छड़ा उनको, इंपैक्ट प्लेयर। और आप कह रहे हो कि इंडिया नीड्स अ क्लच प्लेयर लाइक राहुल तेवतिया, डज इंडिया नीड रिंकू सिंह और नॉट? इंडिया को रिंकू सिंह भी तो नहीं चाहिए ना, आप किस दुनिया किस मुखालफत में जीते हो? आपको तो रिंकू सिंह भी नहीं चाहिए, आपको तो शुभमन गिल भी नहीं चाहिए, आपको तो यशस्वी जायसवाल भी नहीं चाहिए। आप किस किस को चाहते हो और किस किस को नहीं चाहते हो, देयर लाइज द प्रॉब्लम सिद्धांत। कुशाग्र आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पंजाब किंग्स वन बाय ब्रिलियंस ऑफ यंग गन्स कैप्टन एंड कोच डू नॉट डिजर्व दिस विन एज पीपल हु इवन डोंट नो देयर डेथ बोलर्स 20 runs again in the 19th over. These things will never win you IPL. हालांकि देखो जो जीतता है वो deserving होता है। आज जीत गए वो। But जो बात आपने कही ना वो पूरी तरह गलत भी नहीं है यार दोस्त। धर्म है वो कह रहे हैं कि गुजरात टाइटन्स playing 12. गिल साहा केन मिलर शाहरुख और मनोहर, इन दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं उनकी जगह, विजय शंकर की जगह। 6 पे आप राहुल तेवतिया को भेजिए, 7 पे आप राशिद और नूर में से एक ही को खिलाइए क्योंकि उन्होंने केन और मिलर को दोनों को रख लिया। उसके बाद 8 पे आप साई किशोर को खिलाइए, फिर त्यागी, फिर जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा और साई सुदर्शन को आप इंपैक्ट प्लेयर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा है, उन्होंने मतलब उमर जाई भी बाहर कर दिए और केन और वो डाल दिए। निशांत सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि मनोज सिकंदर रजा कैन नॉट प्ले इन आईपीएल, आईपीएल इज टोटली डिफरेंट। यार आज वो भले ही नहीं चले और उससे हम निराश भी थे, मतलब क्योंकि हम उनके लिए बहुत एक तरीके से कह सकते हैं भाई कि उनके लिए भी पर्ची चला रहे थे हम कि भाई रजा को खिलाओ रजा को खिलाओ, बट पिछले सालों दो प्लेयर्स में दो मैचेस में प्लेयर ऑफ द मैच भी थे और सिकंदर रजा वही ना मानसिकता हमारी लगती है कि मैं यार जिम्बाब्वे का प्लेयर है। जैसे जोशुआ लिटिल पिछले उन भाई ने तो अच्छा है कि वो अच्छी इंक्लूजन है कि अगर आपको द मोमेंट सिंगापुर का प्लेयर यार मुंबई में रेगुलरली खेलता है। हाँ। वो तो पहले मुंबई के लिए खेले ना, उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले। जसकरण सिंह है कैनेडा से, 12 ओवर में 15 ओवर तीन स्टेजेस में पंजाब किंग्स जीता है। 12th, 15th, मतलब 12th। हाँ, समझ गया, सही बात। अच्छा, नूरुद्दीन मोहम्मद है, वो कह रहे हैं राहुल सर हु इज बेटर, जैक कैलिस और शाकिब अल हसन? मैं जैक कैलिस के साथ जाऊंगा यार, बहुत रन यार शाकिब ने। जो आप अच्छा लेजेंड की बात करते हो ना, लेजेंड, जो लेजेंड का मतलब होता है कि जिसको विश्व क्रिकेट याद रखे फॉर इयर्स एंड इयर्स एंड डेकेड्स, कैलिस इज अ लेजेंड। मतलब 13,000 टेस्ट रन, आई थिंक 280-289 ऐसी कुछ विकेट, 269 या 89 उनकी विकेट है, टेस्ट विकेट। इवन जब आईपीएल भी खेले थे यार केकेआर वाले के लिए तो उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। गुरी सिद्धू हैं, उनको अमेरिका तक हमारा सलाम। अमृत पाल जी हैं कनाडा से, बहुत सारे कनाडा अमेरिका मतलब इतने आज लोगों ने भेजे हैं ना वहां से, पंजाब पूरा पंजाब जो है ना आपका पूरा पंजाब मुझे लग रहा है अमेरिका और कनाडा में बसा हुआ। खुशी है देखो, आज हमें खुशी मिली है हमें मिलने तो यार। नहीं, सही बात है। और क्या कल क्या होना तो लेने दो भाई। सलमान खान ने ट्वीट किया है और उनके ट्वीट को 12,000 रीट्वीट हो चुके हैं। क्या किया उन्होंने? कहा जिंटास टीम वन क्या? अच्छा, उनका यही स्टाइल रहता है। अमृत पाल हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब इस बारी आईपीएल जीत रहा है, लिख लो, सब दुनिया हैरान हो जाएगी, पंजाब जब जीतेगा आईपीएल इस बार, पंजाबी जिंदाबाद। थोड़ा मुश्किल है यार, हम भरे क्या पंजाबी जिंदाबाद या नहीं जीतना पंजाब के लिए। पाल सिंह है, वो कह रहे हैं कि विक्रांत गुप्ता सर कंग्रेचुलेशंस फॉर पंजाब किंग्स विक्ट्री टुडे, आज नहीं आएगा क्या जीटी सीईओ साहब कर्नल अरविंदर साहब अरविंदर सिंह जी का कॉल? डोंट मेक एक्सक्यूजेस प्लीज, कैन वी नाउ से दैट डीसी आरसीबी एमआई वुड बी द बॉटम थ्री टीम्स? नहीं, बॉटम थ्री वाले में तो आई डोंट अग्री कि यार एग्जैक्टली यही होंगे, बट ये तीनों टीमें प्लस इवन पंजाब को मैं डालता हूं, इनका टॉप फोर में जाना ना थोड़ा करिश्मा ही होगा। पंजाब को बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आई डोंट नो वो कैसे खेलेंगे, इट्स सो गोज द
टेल फॉर दीज थ्री. अभिषेक कुमार और सर का कॉल आया था, बट वही था, वो ट्रेवल कर रहे थे, तो उन्होंने पहले ही कॉल कर दिया था अरविंदर सर ने. नहीं नहीं नहीं, उनका मैसेज आया अभी अभी मुझे, उनका देखो अभी अभी मैसेज आया. वो उस टाइम में बताया था ना कि उन्होंने कहा फोन की बैटरी उनकी बिल्कुल डेड हो गई है, इसलिए उनका नहीं आया. उनको हम भिजवाएंगे वाइटल का फोन जिसकी बैटरी जबरदस्त. और आई होप यार आज आज उनका क्या हुआ है कर्नल अरविंदर सिंह, अभी अभी देखिए मैसेज आया उनका. मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने कहा कि यार मेरी फोन की बैटरी, मतलब मैंने अभी 2 मिनट के लिए वो चार्जर किसी से बोरो किया है, तो वो कहते हैं ना चुंज थोड़ी सी बड़ी सर है. सर को हम भिजवाएंगे आईटेल का फोन. हाँ. और साथ ही साथ आज राहुल भाई जय भाई ने जो है cricket.com पर वहां पर शुभमन के लिए बनाया था. अच्छा अच्छा अच्छा, वो सलमान खान का जो ट्वीट है चंद्रेश सिंह 2014 का है. हाँ, वो ऐसे ही ट्वीट करते हैं कभी, तो वो रीट्वीट लोग उसी को मार रहे हैं. तो वहां पर cricket.com पर अगर आप हमारा जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है अगर उसके थ्रू जाएंगे तो आपको 2500 का ज्वाइनिंग बोनस है और बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस हैं, इवन गिवअवेज भी हैं वहां पर जो स्पोर्ट्स तक फैमिली से आप ज्वाइन करेंगे. तो इस लिंक के जरिए आप जाएं और वहां पर आज जय भाई भी जीते हैं, धीरज भाई की भी टीम थी आज, वो भी बड़ी जबरदस्त करी है. तो आप लोग ही पार्टिसिपेट करें. और यहां पर यह कि आपको 1 घंटा पहले टीम बना लेनी है, यानी कि 7:30 जो मैच स्टार्ट होगा उसके लिए आपको 6:30 बजे तक टीम बनाकर फाइनल कर लेनी है, तो वो भी आप जरूर करें. अभिषेक कुमार है, वो कह रहे हैं बांग्लादेश लेंगे टेस्ट क्रिकेट और कॉमेडी लीग. फनी रिव्यू, वो बटन बदला रहा है. वो शुरू होता है कि आप कितना देंगे, उन्होंने कहा 0%. मैं कहा 1-2 तो दे दो, फिर दोनों का आता है, उसके बाद आता है भांगड़ा. क्या किसी ने वीडियो एडिट किया है कि मैंने कहा कि आप कितना परसेंटेज. ये vikrant.gupta73_fc फैन क्लब उन्होंने डाला है. कि मैं पूछता हूँ कि आप कितना परसेंटेज देना चाहेंगे, 5% देंगे आप, तो आप कहते नहीं 5. मैंने कहा तो 0.99, तो आप कहते हो कि 1. चलो ये मैं शेयर कर देता हूँ. अरे सॉरी, शेयर करने लग गया ना आप लोगों की चीज, कहीं आप लोग कहेंगे नहीं रहोगे, याद रखिएगा. पर खुशी आज आपने क्या सीखा ये बताइए. मैंने ये सीखा कि जब आप क्या बोलूं मैं, खैर सर वो पीछे रील में मेरी शक्ल नाच रहे हैं, मैं आपको ऐसे देख मैं देखो आईपीएल में यही है, आईपीएल में टूर्नामेंट जीतने का वेट मत करो. बहुत अच्छा खेल कर आप प्लेऑफ में भी बाहर हो सकते हैं. जिस दिन जीत रहे हो उस दिन ऐसे जीतो, ऐसे यार पीछे वाला तो लेने दो. सबसे बड़ा जो लेसन जिंदगी का आज हमने क्या सीखा है, चलो सब छोड़ दो, आप मुझे बताओ जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन क्या सीखा है और हम सबके लिए सीख क्या है. राहुल भाई आपसे शुरू करते हैं. मुझे कुछ नहीं सीखना. आप ने आज सीखा है सबने. आपने सीखा होगा, मैंने आपने नहीं सीखा. अनफॉर्चुनेटली मैं एक आईपीएल के शो पे बैठा था. एक सेकंड आप, मैं बता देता हूं. मैं एक आईपीएल के शो पे बैठा हुआ था और उसमें पूछा गया कि भाई आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं. मैंने कहा जी मैं गुजरात को सपोर्ट कर रहा हूँ. मतलब उसके बाद पूछा आपने कि जी कितने. मैंने कहा कि क्योंकि मैं देखो पलटता हूँ नहीं. आप बात कहूँ ये ना, आप खिड़की वाली बात कर रहे हो. कोई खिड़की इसमें, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ, ये मैं शो की बात नहीं कर रहा हूँ. लाइफ लेसन बड़ा हो जाओ. खिड़की नहीं है ये, छत पे जाके. नहीं नहीं, मेरे को किसी छत पे. आपने नहीं सीखा, आपने खुशी कुछ सीखा. मैंने सीखा है कि जब तक आप जीत ना जाओ तब तक जीत मत मानो और जब तक हार ना जाओ तब तक हार. ये भी नहीं है, आप बताइए क्या सीखा आज. क्या है जिंदगी में सारी दुनिया के लिए सीख क्या है. सारी दुनिया के लिए यही सीखे कि कभी भी मतलब हार नहीं मानी चाहिए, मैं कहूंगा बस. दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा. पंजाब की टीम के साथ जो ऑक्शन में हुआ, हम वही कह रहे हो, लेने गए किसी और शशांक को, अनफॉर्चुनेटली उनको ये शशांक मिल गए. इन्होंने कहा भी कि यार गलती होगी, गलती हो गई, लेकिन शशांक सिंह की तकदीर में लिखा था कि वो एक ऐसा मैच जिताएंगे. पंजाब की तकदीर में भी लिखा था कि जो आप मिस्टेकन आइडेंटिटी कह रहे हो वही जिताएगा. मैं ये आप सबको जिंदगी में कब क्या हो जाए विश्वास नहीं, मतलब ये, आप ये क्रिकेट नहीं जिंदगी है बॉस. अपने पर विश्वास रखो और तकदीर ऊपर से लिख के आती है, ऊपर वाला लिख के भेजता है तकदीर. बट आपको और जो आपको मिलना है ना, मेहनत करनी है. पर इससे मेहनत मेहनत करनी है. बट मनोज वो दो बातें, जो आपको मिलता है ना वो आपको मिलता है, वो कोई नहीं. थोड़ा सा किसी को डिले हो सकती है, थोड़ी सी देरी हो सकती है, तो जिसकी पर मिलना ही मिलना है. वैसे तो ये आउटसाइड था, बस सपोज हम नाच रहे थे यार केक है और ये आधा रिव्यू पे आउट है सब सब वैसे तो आउट. चलो चलो अभी खत्म करेंगे, बहुत सारे सवाल आ रखे. ईशान भट्ट हैं, वो कह रहे हैं विक्की बाजी मेरा क्वेश्चन इग्नोर. चंद्रेश जी आ रहे हैं दिल्ली. चंद्रेश का मैं वही निकल गए, वो जल्दी है, वो आ रहे हैं नेक्स्ट वीक आ रहे हैं.
बट मैं नहीं मिलने जाऊंगा, सॉरी वो स्टूडियो आएंगे, मैं नहीं चंद्रेश मिलूंगा अनलेस यू कम हियर। वो वही बोल रहे स्टूडियो आएंगे। ईशान भट्ट कह रहे हैं कि उनका क्वेश्चन इग्नोर हो गया, कोहली वर्ल्ड कप के लिए सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। कोहली वर्ल्ड कप की टीम में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, उन्होंने पहले सवाल। कोहली वर्ल्ड कप की टीम में होंगे नहीं होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इट डजंट मैटर नाउ। देखो अब मैं कहूं कि नहीं होने चाहिए वो गलत बात है ना। आपकी सोच एक सवा साल पहले डिफरेंट थी, आज आपकी इंडियन क्रिकेट चलाने वालों की सोच डिफरेंट है। सो वो उन्होंने कुछ ऐसा, देखो किसी के घर की टीम नहीं होती, जो आपके सिलेक्टर कप्तान कोच सब चुनते हैं ना वो सोच समझ के चुनते हैं। सो गुड लक टू देम, ऐसा नहीं है। शैंकी भाटिया वो कह रहे हैं 309 इज माय इन माय आईडी इज डेडिकेट, अच्छा उनका नाम है शैंकी भाटिया 309 इज डेडिकेटेड टू सहवाग 309 इन मुल्तान, दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट, नाउ इट इज जस्ट किंग कोहली फॉरएवर द गोट। क्या सॉरी, अच्छा वो किंग कोहली के फैन है। नेक्स्ट वरुण सूद वो कह रहे हैं नेहराज एंटिक्स एंटिक्स ओवर इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम साइडलाइंस नॉट गुड फॉर जीटी। अब मैं वही बात है ना, आज आप बोल रहे हो नहीं है, जब चीज चल जाती है तो आप कहते हैं कि जी वाह 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 वाह, वही बात है। केक कहाँ है, आगे खिलाओ यार थोड़ा सा, अब तोड़ ही दिया तो। ये ले लिया है गुरप्रीत जी का कि उन्होंने कल ऐलान कर दिया था कि जीत जाएंगे। अच्छा शैंकी भाटी भाटिया 309 दोबारा वो कह रहे हैं शशांक सिंह डिड व्हाट शाहरुख खान वाज सपोज्ड टू डू ऑल दीस इयर्स, दिस विन शुड बूस्ट द टीम्स मोरल। बिल्कुल जी। चनकीरत विर्क हैं वो कह रहे हैं मनोज विक्रांत पाजी आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इज लकी फॉर पंजाब। बुरा बुरा, हम आ रहे हैं सारी टीम के साथ। हाँ हम आ रहे हैं 18 तारीख को, उन्हें गाना ऐड किया हुई। अच्छा जो 9 और 11 को जाना चाहे वो भी जा सकते हैं। भाई मैं तो अब कहीं नहीं जा रहा हूँ अगले कुछ हफ्तों तक, अभी वक्त है ना, ये परसों जो मैंने परसों अभी साल भर की कमाई कर चुका। देखो आज 5 है, 2 हफ्तों का वक्त है, तो उसके बाद जिंदगी में ना गाना है, बढ़िया लग रहा है, इंस्टा पे कर सकते हैं आई एम सुधीर, तो गाना उधर भी चल सकता है, बट वो वाला उठा के डालेंगे ना, ओरिजिनल गाना उठाना पड़ेगा, ये वाले से नहीं, इस वाले पर क्लेम हो सकता है जो हम उनकी लाइब्रेरी से उठाएंगे यूट्यूब पे। ओके ओके ये तो ये कर दो ना फॉरवर्ड अभी स्पोर्ट्स तक के लिए, और इनको मीत सोनी जी को दो। लव इंडिया है वो कह रहे हैं आई एम सुधीर फ्रॉम जयपुर, विक्रांत सर आपकी भारी और बेहतरीन आवाज का राज क्या है, बिग फैन, दिल्ली वर्सेस आरसीबी फाइनल इज माय ड्रीम। आपकी भारी और बेहतरीन आवाज का राज क्या है सर, मेरी भारी और बेहतरीन आवाज, एक सेकंड मीत सोनी जी का मैं, हाँ मेरी भारी आवाज तो है नहीं और बेहतरीन भी नहीं है, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं यहाँ पे हीरो बन रहा हूँ, मेरी आवाज तो भाई नहीं है भारी और ना ही बेहतरीन है, वो ठीक है इतने साल से टीवी कर करके यहाँ बैठ बैठ के, अच्छा अच्छा नहीं, आप यूज टू हो गए हो, आप पहली बार सुनोगे तो आप कहोगे यार क्या आवाज है, सीधी सी बात, बट आप लोगों ने इतना प्यार दिया यार 21-22 साल से तो टीवी में, भूल चुक माफ, गलती माफ, भूल चुक माफ, बिल्कुल मीम्स मैं भी एंजॉय करता हूं। आपने जैसे बोला था विक्रांत गुप्ता फ्रंट फुट, आपने जो अलग से कहा ये सबसे वगैरह विकी पाजी गिल और यशस्वी जितेश और पंत वर्ल्ड कप थर्ड सीमर, ये कुछ सवाल है उनके मन में जो चल रहे हैं। शुभमन गिल और जायसवाल दोनों जाने चाहिए, मैं 15 की बात कर रहा हूँ, और जितेश और पंत में ऋषभ पंत जाने चाहिए एज ऑफ नाउ, थर्ड सीमर तो अब पता नहीं ना, दो कौन है बुमराह और अर्शदीप, शायद मैं भी उसी रात सोच रहा हूँ अभी एज ऑफ नाउ, मेरे हिसाब से मोहित शर्मा हैज टू बी ऑन द फ्लाइट टू वेस्ट इंडीज। अभिषेक कुमार वत्स हैं वो कह रहे हैं सर योर व्यूज ऑन बांग्लादेश सुपर चैट, बांग्लादेश सुपर चैट मतलब अच्छा वो उनके यार अच्छा। मतलब बड़ी अजीब ओवर पता नहीं 8 या 7-8 कैचेस ड्रॉप हुई हैं एक स्लिप में, ऐसा जगलिंग मतलब 3 बंदों ने छोड़ दिया लेकर सबने छोड़ा, फिर वो बॉल के पीछे सारे भाग गए, तो फनी था वो थोड़ा फनी था। वासु सहरावत कह रहे हैं शुड रोहित कोहली ओपन इन T20 वर्ल्ड कप, पता नहीं हो सकता हो भी जाए, बट फिर आप यशस्वी जायसवाल / शुभमन गिल को मतलब अभी भी शोपीस ही रखना चाहते हो, फिर आप वो भी सोच लो। आरिश अतीक है वो कह रहे हैं 130 या 100 से 140 की स्ट्राइक रेट से वर्ल्ड कप भूल जाओ भाई, तो हमने कौन सा कहा कि जीत रहे हैं, अब मैं तो कह ही रहा हूं आप सोच ही नहीं आपकी बदलती,
अमन बिष्ट हैं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि विक्रांत सर, आई एम अ बिग फैन, आई ओनली वॉच स्पोर्ट्स तक, आपकी वजह से देखते हैं सिर्फ स्पोर्ट्स तक, आई लाइक योर वे ऑफ टॉकिंग वेरी मच एंड आई विश यू गेट मच मोर सक्सेस इन लाइफ। अमन एक तो ये है यार कि स्पोर्ट्स तक की पूरी टीम, मैं तो ये जो हमारी टीम है, मनोज आज से कई साल पहले आए या सब आए, यंग थे यार, ये बच्चे थे, मैं इनको सिखाता था, अब मैं इनसे सीखता हूँ। खुशी को देखो, एक साल 12 महीने हो गए वहाँ, सौरभ बैठे, ऋषभ, इनको कुछ नहीं आता आता जाता था, बट आज मैं भी इनसे सीखता हूँ। बाकी आप प्यार, जैसे आपने बोला इनको कुछ नहीं आता था, तो हम पैसे रहे हैं बच्चे, नहीं पहले नहीं आता था ना, आज हम उनसे सीखते हैं यार, मेहनत देखो, इनको तो नहीं पता था ना कि रात के 1 बजे तक यहाँ पे बैठना होगा, इन्होंने जिंदगी में दे नेवर बार्गेन्ड फॉर दिस, और आज ये इनके वर्क एथिक्स, और ठीक है ये भी सीखेंगे, मैं भी सीख रहा हूँ यार, बट टीम है सुपर्ब हमारी। दूसरा उनका क्या था नीचे, सक्सेस इन लाइफ, सर आपका तो हाथ जोड़ के बस शुक्रिया ही है, बाकी मैं ये चाहता हूँ कि जो स्पोर्ट्स तक में हमारे बाकी है ना, मैंने भी अच्छा टाइम तो बहुत देखा है टचवुड, मैं चाहता हूँ इन सबको भी वो टाइम मिले और वो मौके मिले। सवाल हो गई जी, डन, तो मैच रिपोर्ट दे दें, मैच रिपोर्ट देते हैं आज आपको, और उसके साथ ही आपको अलग अंदाज में दूंगा मैं, अलग अंदाज में बिल्कुल, आज तो पंजाब जीते तो कुछ डिफरेंट, नहीं पंजाब जीता है, बट आज मैं बात अलग करूंगा, बात अलग करिए, तो वो अलग बात क्या, दिल को छू लेने वाली बात, उसके लिए 5 मिनट में आना है, लेकिन उसके अलावा कल के मुकाबले के लिए अभी से जो बहुत बड़ा मैच है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसके थ्रू cricket.com पर जाकर अपनी टीम बनाए, असली फैंटेसी, जहां पर आपको 1 घंटा पहले टीम लॉक हो जाती है, ये ध्यान रखना है। आई थिंक मैच ये वाला है, ये हैदराबाद है या चेन्नई, मेरे को चेक करना पड़ेगा। cricket.com और cricket.com ना हम पहले, ये हैदराबाद है, हैदराबाद cricket.com अगर आप देखें, इसमें क्या है यार कि ना, अगर आप इसी चैट की डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको 2500 रुपए का साइन अप बोनस, 2500 रुपए में तो पूरा, जस्ट इन केस अगर आपने कर लिया डाउनलोड तो आपके भैया मम्मी पापा उनके फोन में कर लो, फोन में से कर लो, और टीम्स बनाओ जी, तो कि डिस्क्रिप्शन में जाके तो बहुत आसान है डाउनलोड कर। अमेरिकन पिस्ताशोज आज देखिए पंजाब के काम, मैंने बोला था ना आपको अमेरिकन पिस्ताशोज, तो आप लोग भी खाइए। बाकी जैसे हम कह रहे हैं भाई कि आईटेल का फोन आने वाला है, आईटेल का फोन आने वाला है, आईटेल की जो बैटरी है भाई वो कर्नल अरविंदर सिंह हमारे जो दोस्त हैं उनको भी भिजवा, उनको सर को भेजना है, उन्होंने अभी मुझे कहा है, कौन कौन किसले श्रीवास्तव जी हैं, सॉरी विकास, अरे नहीं यार, वो कह रहे हैं कि वो रोहित फैन है तो थोड़ा हर्ट हो गए थे, बाकी लव किस चीज से, मे बी जो उन्होंने बोलते रोहित गावस्कर लेजेंड है और रोहित नहीं है, यार मेरे कहने से कोई लेजेंड बन जाएगा या नहीं बनेगा। और दूसरा यार देखो, मैं उम्र वाला बंदा हूं, ठीक है मेरी उम्र 51 साल है, तो थोड़ा सा क्या होता है, आप उस एज ग्रुप के ना क्रिकेट को ज्यादा आपकी रोमांटिसिज्म होती है। अब मुझसे पूछोगे मैं शायद कहूंगा यार वेंगसरकर भी उस टाइम पे लेजेंड थे, मोहिंद्र अमरनाथ थे, गुंडप्पा विश्वनाथ थे, उस दिन तो किसी ने बोला कपिल देव लेजेंड नहीं है, तो अब मैं बताऊं क्या करूं, मतलब दिल का कैमरा तोड़ दूं। सो द पॉइंट इज कि यार ठीक है वो, और एबी डिविलियर्स होंगे, उनका इतना अगर नाम है तो वो होंगे ही होंगे यार, और लेजेंड मेरा मानना है कि राहुल ने भी अखबार में काम किया, मैंने भी किया अखबार में, ये कहा जाता, अब तो खैर देखो धज्जियां उड़ चुकी हैं, अखबार में ये कहा जाता था हर शॉट ग्रेट शॉट नहीं हो सकती, हर प्लेयर ग्रेट नहीं हो सकता, हर इंसान लेजेंड नहीं हो सकता, 3 चीजें सिखाई जाती थी अलॉन्ग विद द फैक्ट कि आपकी कोई टीम नहीं होती। आप अखबार में ये नहीं लिखते कि माई टीम नीड्स या वी नीड, आप लिखते हो इंडिया नीड्स इतने रन, जो हम अब बोलते हैं ना कि अरे हम तो जीत, हम तो भंगड़े डालते हैं, वो अखबारों में नहीं था, हाँ तो लेजेंड वो परिभाषा थी, सीधी सी बात है। अब आप में से कितने लोगों ने डेनिस लिली का नाम सुना होगा, कितने लोगों ने रॉडी मार्श का नाम सुना होगा, ज्यादा ने सुना होगा जब उनकी 2 साल पहले डेथ हुई है, तो क्या आपको पता है उनका क्या स्टेटस, इवन जैसे मतलब क्योंकि मैं भी कीथ मिलर का मैंने सुना ही था और किससे कहानी, कीथ मिलर वाज द पाइट पाइपर, तो मैं वही कह रहा हूं, अब लोगों को कीथ मिलर में तो पता ही नहीं। रे लिंडवॉल का नाम सुना है, हां मतलब मैंने तो फ्रेड ट्रूमन का नाम सुना है, फ्रेड ट्रूमन के नाम पे एक टाइम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड था 300, उनकी लैंस गिब्स की उन्होंने विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ा 307 या 9। बॉली ग्राउड का नाम सुना, इनका नहीं सुना, तो फिर वो होता था कॉट ग्राउट बोल्ड मिलर, तो ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, वो विकेट कीपर थे, ठीक है तो कॉट ग्राउट बोल्ड मिलर, फिर वो आया कॉट मार्श बोल्ड लिली, कॉट डुजॉम बोल्ड मार्शल, कॉट क्या नाम था इनका, हीली, बाद में गिलक्रिस्ट बोल्ड शेन वॉन, कॉट बॉब टेलर बोल्ड इयन बोथम, कॉट किरवानी बोल्ड कपिल, तो ये सारी रोमांटिसिज्म है यार। एक जो लास्ट में आगे फटाफट से वो भी ले लेते हैं, और क्रिक रॉकेट सबसे तेज स्कोर अपडेट्स के लिए आप क्रिक रॉकेट जरूर जाएं,
एक भाई हमारे लव गेमर, वो कह रहे हैं क्या लगता है पंजाब दिल्ली आरसीबी इनमें से चैंपियन कौन पहले बन जाएगा यार, ये सीजन तो मुश्किल लग रहा है सबके लिए। आगे बढ़ते हैं, द्वापायन जी हैं, द्वापायन स्मिथ, वो कह रहे हैं कि सॉरी टू से नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट पंजाब प्लेड वेरी गुड टुडे बट दे विल स्टिल रिमेन एज पार्टिसिपेंट्स ओनली, वो कह रहे हैं पंजाब में उतना। आई अग्री विद यू। तो अभी फिर हम लेते हैं इजाजत, ठीक 5 मिनट के बाद आपके साथ मैच रिपोर्ट जहां पर कुछ खास है, आज अलग, आज कुछ अलग है। तो अभी इजाजत लेते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप आपने एंजॉय किया हो, सब्सक्राइब